यो माय चैंपियंस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल एवरीबॉडी, वार्म वेलकम टू द सेशन। एंड पहली बात तो ये बैकग्राउंड आवाज को बंद किया जाए, बैकग्राउंड में आवाज आ गई यार, ऐसे कैसे आवाज आ गई। हां ओके, सो वार्म वेलकम टू द सेशन, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपके जगह पे इसमें चल रहा है। आई मीन कुछ बच्चे बाहर से भी होते हैं। एंड यस, आज हमने शुरू करना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर 2, जो कि पिछली बार कैंसिल हो गया था ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच। आज उसी को शुरू करेंगे प्रॉपर शुरू से। एंड इससे पहले कि मैं सेशन शुरू करूं एकदम से, एक थोड़ा सा बात बता दूं, जो नए बच्चे आ रहे हैं भैया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पिछले 1 मंथ में करीबन 30,000 बच्चों ने सब्सक्राइब किया है, वी आर वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि जैसे बच्चे जुड़ते जाते हैं हमें बहुत खुशी होती है कि हम और बच्चों को सर्व कर पा रहे हैं, ज्यादा बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं। राइट, बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ी सी आवाज कम है, मेरे को लगता नहीं, आवाज शुड बी परफेक्ट, आवाज कम है क्या बेटा, चैट में कंफर्म करो, इज देयर एनी लिटिल बिट प्रॉब्लम विद दैट साउंड, थोड़ी आवाज कम आ रही है या ठीक आ रही है। इट शुड बी ऑल गुड आई सपोज, इट शुड बी ऑल गुड आई सपोज, यस ठीक है, फटाफट कंफर्म कर दो, ठीक है, ओके ठीक है, नाउ ओके ग्रेट। सो बेटा चैनल पे बता दूं, जी चैनल पे पिछले 1 मंथ में अबाउट 30,000 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन, और इससे हमें बड़ी खुशी होती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो आप भी अगर नए बच्चे तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। आपकी इंटीमेशन आपको दे देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आप होम पेज पे अगर नीचे जाएंगे तो यहीं पे आपको यहां पे 21 का पहले पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके नीचे जेई 22 और 23 का मिलेगा प्लेलिस्ट। इसमें आपने थोड़ा सा राइट पे जाना है, यहां पे आपका जितना अभी फिजिक्स मिस्ट्री मैथ हो चुका है पूरे का एक प्लेलिस्ट पड़ा है, फिजिक्स मिस्ट्री मैथ पूरा, और आप थोड़ा आगे जाओगे तो फिजिक्स मिस्ट्री मैथ के अलग अलग भी आ जाएंगे। तो अगर आपको कोई टॉपिक मिसिंग है, आप कहीं पढ़ रहे थे आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप यहां पे रेफर कर सकते हैं। आई एम गारंटिंग यू कि इस पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, सब कुछ ए क्लास मस्त समझ आने वाला है, ठीक है। और आपके रेगुलर सेशन कब चलते हैं, शाम को 4 से 6 के बीच में, और रात को 8 बजे क्या होता है, जब चैप्टर खत्म हो जाता है उसके PYQs, राइट, शाबाश। अभी लेक्चर 2 शुरू करेंगे, तो चलो शुरू कर ही देते हैं, अब तुम पूछ ही रहे हो तो फटाफट शुरू किया जाए। कहां पे हमारी पीपीटी, ये रही हमारी पीपीटी। सो मेरा आज हम लेक्चर 2 को दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले सेशन में क्या हुआ था सर, टेक्निकल ग्लिच हो गया था, कुछ तो माइक में गड़बड़ हो गई थी, और वो गड़बड़ ऐसी हुई थी कि वो ठीक ही नहीं हो रही थी। और तुमको बताऊं एक चीज, अगर तुम्हें पता लगे ना कि गड़बड़ क्या थी, जब बाद में मैंने ठीक किया गड़बड़ को, पता लगा कि गड़बड़ क्या थी, भाई इतना गुस्सा आया पूछने की हद नहीं। जो यहां से माइक की वायर लगती ना कैमरा में, उसको हल्का सा बाहर की ओर निकालना था, बस हल्का सा बाहर की ओर, उसका कनेक्शन कुछ ऐसा होगा कि पूरा फिट करके चल नहीं रहा था, हल्का सा बाहर निकाल के चल रहा था, और भाई इतना सा किया वो ठीक हो गया। पर वो ठीक हुआ जब सेशन कैंसिल किए, 20-30 मिनट्स हो चुके थे। तो चलो आज सेशन शुरू करते हैं। टेंजेंट नॉर्मल 1, ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव का लेक्चर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, वी कवर्ड रेट मेजर एंड एरर अप्रोक्सीमेशन। आज हमने टेंजेंट नॉर्मल शुरू कर देना है। लो भाई शुरू कर देना, तो शुरू कर भी देते हैं अब। तो देखो जैसा कि मैं कहता हूं, सबवे सर्फर स्क्रिबल, सब्सक्राइब टू द चैनल, देरी मत लगाओ, रेगुलर तैयारी करते रहो, राइट। स्ट्रेट अवे शुरू करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। एवरीबॉडी का बिग चक दे दो, चैट दे दो, यस बिल्कुल वीएस के चैतन्य, हम बिल्कुल टेंजेंट नॉर्मल शुरू से शुरू करने लगे हैं, जो पिछली क्लास में 10 मिनट का पढ़ लिया था, आई विल बी रिपीटिंग इट एंड देन हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो यार, टेंजेंट नॉर्मल मैंने आपको बताया था कि मेजरली 3 वैरायटीज है जिसको आप डील करते हो इस पूरे चैप्टर में, मेजरली 3 वैरायटीज, और की वैरायटी है ही नहीं। सबसे पहला वैरायटी क्या होता है, आपको कर्व के ऊपर एक पॉइंट गिवन होगा और आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन पूछी होगी, ओके, टेंजेंट एट अ पॉइंट, टेंजेंट एट अ पॉइंट। ये 3 वैरायटी पे तो याद कर लो, ताकि जब इस सवाल आए आप कैटेगराइज कर पाओ, अच्छा ये इस वैरायटी का सवाल है तो ये इसका मेथड है। हम वैरायटी बाय वैरायटी बेसिक मेथड ही समझ लेंगे, ताकि कभी कोई कंफ्यूजन हो ही ना। दूसरा क्या होता है, आपको कर्व गिवन होगा और आपको स्लोप गिवन होगी कि भाई 2 स्लोप की टेंजेंट बताओ, 3 स्लोप की टेंजेंट बताओ, तो आपको स्लोप गिवन होगा, ओके, स्लोप गिवन होगा, पॉइंट नहीं गिवन होगा। इसे कहते हैं टेंजेंट हैविंग गिवन स्लोप, टेंजेंट हैविंग गिवन स्लोप, हैविंग गिवन स्लोप, ये सेकेंड वैरायटी रहता है बेटा, ठीक है। और तीसरा वैरायटी क्या होता है,
जिन्होंने पिछली क्लास के 10 मिनट लगाए थे, जो क्लास थोड़ा कैंसिल हुई थी, जरा बताओ थर्ड वैरायटी क्या थी, थर्ड वैरायटी क्या थी, बोलो बोलो तीसरा वैरायटी क्या था। एक पॉइंट आपको बाहर गिवन होगा, कर्व के बाहर एक पॉइंट, बिल्कुल एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट पासिंग थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट, ये तीन वैरायटी है बेटा। अगर आपने ये तीन वैरायटी के मेथड समझ लिए तो इस पूरे चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। वेरी गुड, एक्सटर्नल पॉइंट सर जी, वेरी गुड। तो चलो फिर इन तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, टेंजेंट एट अ पॉइंट, और उसमें कहीं ना कहीं यार पॉइंट तो उनको पता ही है। अगर ये कर्व है वाई इक्वल टू एफ एक्स और आपको ये पॉइंट दिया गया है और आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन पूछी गई है, तो कहीं ना कहीं आपको स्लोप चाहिए। डोंट यू थिंक स्लोप तो आपको आती है, डेरिवेटिव, ऐसे मानते हो? हाँ सर। तो बेटा पॉइंट हमें गिवन है, स्लोप हम डेरिवेटिव से निकाल लेंगे तो बचा ही क्या, अरे टेंजेंट एट द एंड ऑफ द लाइन ही तो है, और लाइन के लिए आपको पॉइंट स्लोप पता है तो आप इक्वेशन ऐसे लिख देंगे पटाक। बट अगर उसने नॉर्मल पूछा होता, अगर उसने नॉर्मल पूछा होता फिर क्या करते, नॉर्मल, तो बेटा नॉर्मल की स्लोप निकाल देते। नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, अरे एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन, राइट, टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर डेरिवेटिव से टेंजेंट की स्लोप आ रही है तो इससे नॉर्मल की स्लोप आएगी, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस वाई वन एम नॉर्मल x माइनस एक्स वन। लो भैया पहली वैरायटी तो सबसे घटिया वैरायटी है, सबसे इजी वैरायटी है, मैं तुम्हें कुछ ना पढ़ाऊं तो भी तुम निकाल दोगे। सिर्फ बात ये है इसमें वो डेरिवेटिव थोड़ा खतरनाक बना सकते हैं, पॉइंट तो डायरेक्ट गिवन होगा, डेरिवेटिव को ही तुम्हें थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, तो आओ देखते हैं वो कैसे तंग करते हैं, जो मैंने आपको समझाया यहां पे लिखा हुआ है। ओके, यस रोहन, यस रोहन, यस 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 यस, बट ऑल इज फाइन। आज सबसे पहला पॉइंट, जब वो तुमको प्राइमरीली ज्यादा तंग नहीं कर रहे, एक फंक्शन दे दिया है जीरो पे, टेंजेंट पूछी है, नॉर्मल पूछा है, पहली बात तो पॉइंट पूरा लिख लेते हैं बेटा, जब एक्स जीरो है तो वाई क्या आ रहा है टू, तो मेरा पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया जीरो कॉमा टू। अब अगर मेरे को यहां पे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, उसके लिए डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। यस ऑफ कोर्स बेटा, आई एम ऑल फाइन, थैंक यू। तो यहां से डिफरेंशिएट करो, जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू पावर माइनस टू माइनस फोर इंटू टू एक्स, ये इंटू टू एक्स मत भूल जाना बेटा, चेन रूल लगेगा, चेन रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको स्लोप चाहिए एक्स एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू टू, तो इस पॉइंट को यहां पुट कर देंगे, वाई तो है ही नहीं तो एक्स को जीरो पुट करो, देख पा रहे हो स्लोप जीरो आ रहा है, थोड़ा सा खेल गया, ज्यादा नहीं थोड़ा सा खेल गया, स्लोप जीरो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जरा याद करिए जीरो कॉमा टू से पास करती हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जीरो कॉमा टू से पास करती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल पे क्या कांस्टेंट रहता है, वाई कांस्टेंट रहता है। एक बच्चा कह रहा है माइनस टू नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा, माइनस टू, अच्छा आगे एक मिनट क्या कह रहे हो, माइनस वन था, माइनस वन आगे आ गया, ठीक है माइनस टू इंटू टू एक्स, बेटा ठीक तो है, क्या गड़बड़ है, स्लोप कह रहे हो बेटा, एक्स को जीरो पुट करोगे तो जीरो बन गया ना बेटा, अच्छा पावर माइनस टू भैया इसकी, हाँ तो ऊपर आ गया फिर भी जीरो ही रहा ना, कुछ गड़बड़ की मैंने यहां पे, जीरो बेटा एक्स को जीरो पुट करके वाई टू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मैंने यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक की है, आप ये कह रहे हो दोबारा कर लेते, यार तुम कह रहे हो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो लो हटो दोबारा कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं बेटा, आओ 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 दोबारा करते हैं, चलो कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं, ठीक है आ जाओ, एक्स जीरो था यहां रखा तो वाई आ गया फोर बाय टू दैट इज टू, अब हमने डिफरेंशिएट किया इसको, डिफरेंशिएट बेटा ये क्या है, फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू की पावर माइनस वन, जब डिफरेंशिएट करेंगे पावर आएगी आगे
और एक पावर कम हो गई तो पावर होगी माइनस टू ऐसे। अच्छा नीचे मैंने माइनस टू लिख दिया था, ओ नीचे मैंने गलती से माइनस टू लिख दिया था, पहले नीचे टू आ रहा था, टू आ रहा था, टू आ रहा था। ठीक है बेटा, जोश जोश में तुम्हारा भाई लिख देता है, इग्नोर मारा करो इसी चीजों को। इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म दैट इज 2x। लो जी अब ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अब तुमने पुट किया पॉइंट को 0.2। अब जब 0.2 यहां पुट करेंगे, x तो 0 है, y यहां पे है ही नहीं, तो टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ x पुट कर देंगे। x को 0 पुट करके क्या बना, 0/4 दैट इज 0। तो बेटा नॉर्मल टेंजेंट जब निकाल रहे हो, डेरिवेटिव की स्लोप तो 0 ही आ गई, यानी कि टेंजेंट जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब जरा आप बताइए, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू कांस्टेंट। तो आ जाओ बेटा, y कितना है, 2 है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू 2। एग्जैक्टली, ओए 0.2 से पास करती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे y होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि जो y की वैल्यू आ गई पूरे पे वही रहेगी। तो जरा बताओ, इसी के थ्रू पास करती हुई वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इसी के थ्रू पास करती हुई वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जरा बताओ। सर वर्टिकल लाइन पे x कांस्टेंट होता है तो x रहेगा 0। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, तो पूरे पे x हो गया 0। आई नो यू, वेरी गुड बेटा, जानना चाहिए। तो जब टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो ये ऑब्वियस है कि जो नॉर्मल होगा वो वर्टिकल होगा। यहां पे बच्चे अक्सर गलती पता क्या करते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं तो m1 m2 इक्वल टू -1 लगाने की कोशिश करते हैं। गलत नहीं है बेटा, बट m1 into m2 इक्वल टू -1 तब लगाया जाता है जब m1 m2 नॉन जीरो फाइनाइट स्लोप्स हो। अगर एक स्लोप 0 है, हॉरिजॉन्टल है, तो उसका वर्टिकल जो है, परपेंडिकुलर जो है वो वर्टिकल ही आएगा। ठीक है, तो वर्टिकल, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ गई बेटा, x इक्वल टू 0। एग्जैक्टली दक्ष, स्लोप को अनडिफाइंड लिख सकते हैं वर्टिकल के केस में। तो याद रखना, यहां पे वो आपसे क्या खेला, करवाया डेरिवेटिव, बट इतना सा खेल गया कि टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल वर्टिकल होगा, ये आपको अकल लगानी है, m1 m2 इक्वल टू -1 नहीं लगेगा। अच्छा और कैसे खेल सकता है, और थोड़ा वो ऐसे खेलेगा बेटा, एक गंदा सा कर्व दे देगा जिसको डिफरेंशिएट करने का तुम्हारा दिल ही नहीं करेगा। y इक्वल टू mod of x square minus mod x पूरा कहता, इसका टेंजेंट और नॉर्मल बताओ एट x इक्वल टू -2। अब यहां पे दिक्कत क्या है भैया, इतने मॉड लगे हैं कि डिफरेंशिएट करने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। सही डिफरेंशिएशन निकाल दो अलग बात है, बट एग्जैक्टली अरे तुमने पिछला सेशन लगाया, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो बच्चों। यार एक पॉइंट देखो ना, ये जैसा भी कर्व हो, जैसा भी हो, तुम्हें इसका डेरिवेटिव हर जगह पे चाहिए क्या, नहीं, तुम्हें इसका डेरिवेटिव चाहिए उस जगह पे जहां पे एक्स जो है वो -2 है, तुम्हें उस जगह पे डेरिवेटिव चाहिए। तो पूरे का पूरा मत देखो, सिर्फ -2 के नेबरहुड में क्या हो रहा है ये देख लो, नेबरहुड में देख लो बस। ठीक ओके आओ बेटा, अब तुम बताओ, अगर एक्स जो है वो नेबरहुड में है, इज इन नेबरहुड ऑफ -2, तो डू यू ऑल एग्री एक्स एक नेगेटिव नंबर होगा। अगर एक्स नेगेटिव नंबर है तो क्या तुम इसकी वैल्यू मुझे बता सकते हो, यस सर, ये -x होगा। कितनों को समझ आ गया यहां तक, बिल्कुल। तो अगर x आप -2 के नेबरहुड में देख रहे हो तो x नेगेटिव नंबर है, तो मॉड x बना -x। फर्दर देखो यार, अगर x -2 के नेबरहुड में है तो क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव पता लग गया, मैं मॉड को ओपन कर दूंगा। सर चेक कर लेते हैं, अगर x -2 के पास है तो ये +4 के पास है, ये -2 के पास है, तो ये येलो बॉक्स
टू के पास कहीं होगा, टू के पास कहीं होगा, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होगी तो मॉड कैसे ओपन हो जाएगा? सर जी प्लस से ओपन हो जाएगा। अब एक बार मॉड ओपन हो ही गया है तो डेरिवेटिव तो बहुत आसान हो गया, सीधे निकालो डेरिवेटिव, बना 2x + 1। ये आपने डेरिवेटिव निकाल लिया कहां पे? -2 के पास। अब x को पुट करो -2, तो तुम्हारे पास यहां पे डेरिवेटिव आ गया जो कि तुम्हें चाहिए था, -3। तो -3 तुम्हारा टेंजेंट का स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप। एग्जैक्टली बेटा, अगर स्लोप आ ही गई है तो टेंजेंट लिखने में शर्मा क्यों रहे हो? टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, y - y1। यार y1 पता है किसी को क्या? कोई बताएगा y1 क्या है? कोई बताएगा y1 क्या है? मुझे x1 तो पता है -2, y1 बताएगा? अरे बता दिया सर, यहां से निकाल लो ना। अगर x मेरा -2 है तो यहां से y निकाल लो, 4 - 2 2। तो सर y1 मेरा 2 है। एग्जैक्टली दक्ष, वेरी गुड। तो y - y1 स्लोप x - x1, ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। बट हमको नॉर्मल का इक्वेशन भी चाहिए। यहां टेंजेंट की स्लोप तो पड़ी ही है, यहां से नॉर्मल की स्लोप निकाल लो। अगर टेंजेंट का स्लोप -3 है तो नॉर्मल का क्या होगा? सर m ऑफ टेंजेंट इंटू m ऑफ नॉर्मल -1 होता है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो अगर टेंजेंट का स्लोप -3 है तो नॉर्मल का 1/3। तो लिख दो इसकी भी इक्वेशन, y - y1 स्लोप x - खत्म। ये आ गया दूसरा तरीका आपको तंग करने का, मॉड मूड लगा देगा, आपने डरना नहीं है। इसके नेबरहुड में इसको ओपन कर लेना है क्योंकि तो आपको इसका डेरिवेटिव सिर्फ इसी के नेबरहुड में चाहिए, बाकी जगह डेरिवेटिव क्या है मेरे को कोई मतलब नहीं है। शाबाश। तीसरा तरीका क्या है तंग करने का? थोड़ा पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन पूछ लेगा, जैसे कि यहां पे आ गया पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन आ गया। इसीलिए डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मेट आपको आने चाहिए। तो आओ इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आपको x दिया गया है t², y दिया गया है 2t, तो क्या मैं यहां से dy/dx निकाल सकता हूं? यस सर, हमको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन आती है। ये आ गया dy/dt / dx/dt। तो सर डेरिवेटिव आ गया 2t/2। तो डेरिवेटिव तो आ गया, बट डू यू रियलाइज वन थिंग कि डेरिवेटिव जो आया वो t की टर्म में आया है। अब इसमें ये पॉइंट कैसे रखूं? मुझे डेरिवेटिव चाहिए इस पॉइंट पे। अब ये तो t की टर्म्स में है तो पॉइंट कैसे रखा जाए बताओ भाई? 1, 2 कैसे पुट करूं यहां पे? 1, 2 कैसे पुट करूं? वेरी गुड रजत सर, 1, 2 के कोरस्पॉन्डिंग टी निकाल लो। आप चाहते हो कि एक्स जो है 1 बन जाए, तो आप चाहते हो t² जो है वो 1 बन जाए, एंड आप चाहते हो वाई 2 हो जाए, तो 2t जो है वो 2 हो जाए। तो क्या मैं यहां से टी निकाल सकता हूं? मजे से निकाल सकता हूं। यहां से टी आ गया 1, तो अब यहां पे आप टी को रखोगे 1, तो आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 1। बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया नॉर्मल, तो सोए सोए भी निकाल दोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -1। पॉइंट पता है 1, 2, स्लोप मेरे को पता है, मैं दोनों इक्वेशन मजे से लिख दूंगा। तो बताओ जरा टेंजेंट क्या मैंने ठीक लिखा है? y - y1 स्लोप x - 1, और क्या मैंने नॉर्मल ठीक लिखा है? y - y1 स्लोप x - x1। बताओ दोनों ठीक लिखे हैं मैंने? बिल्कुल दक्ष, शाबाश। तो ये 2-3 तरीके हैं जहां पे आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आपसे खेल सकते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। कुछ बच्चे मेरे रेगुलर बैच के बैठे हैं, वो पहले से स्टार हैश शुरू हो गए हैं, और ठंड रखो, सारे बच्चे भी आने तो दो, बच्चों को सीखने तो दो। आ जाओ, यहां पे उसने पॉइंट थोड़ा इनडायरेक्टली दे दिया, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व वेयर इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस। ये कुछ कर्व होगा, कहता जहां पे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन बताओ।
ये बताओ, पॉइंट इनडायरेक्टली है बट इतना भी इनडायरेक्ट नहीं है मेरे ख्याल से, तुम बता सकते हो कि ये पॉइंट कैसे आएगा। हाउ विल बी फाइंड दिस पॉइंट टेल मी सर। इसको निकालने के लिए वाई को जीरो पुट कर देंगे, वाई को जीरो, ओए शाबाश, वाई को जीरो पुट कर देंगे तो आपका एक्स कितना आ गया, टू। तो ये पॉइंट कुछ और नहीं, जीरो कॉमा टू है बेटा। अब तो स्लोप बची है, और स्लोप तो तुम डेरिवेटिव से हंस के निकाल दोगे, मजे से निकाल दोगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू टू माइनस एक्स। पूरे को डिफरेंशिएट कर दो, चेन रूल का ध्यान रखना, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। ले यहां तो चेन रूल भी नहीं लगा, सिंपल प्रोडक्ट रूल से ही बात बन गई, सिंपल प्रोडक्ट रूल से ही बात बन गई। तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी, उधर गया माइनस वन माइनस टू एक्स वाई डिवाइड बाय ये वाला एक्सप्रेशन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुमको क्या डेरिवेटिव पूरा चाहिए? नहीं, मेरे को तो डेरिवेटिव चाहिए इस पॉइंट पे, जीरो कॉमा टू पे, जीरो कॉमा टू पे। तो पुट करो x को जीरो, y को टू, वन ही आ गया, कर लो बात, कितना घटिया बन गया यार, खत्म ही हो गया। स्लोप आ गई वन, पॉइंट मेरे को पता था, अब तो क्या ही मतलब, दिल इक्वेशन लिखने का दिल भी नहीं कर रहा। वाई माइनस टू स्लोप एक्स माइनस जीरो, दिस इज योर आंसर एग्जैक्टली। स्लोप माइनस वन आ रही है, चेक कर लेते हैं बेटा, ये उधर गया माइनस वन आ रही है जी, माइनस वन आ रही है। ओ चलो कोई बात नहीं, इतना तो मैं खेलता रहता हूं तुम्हारे साथ, इससे मुझे पता लगता है कि तुम जाग रहे हो, साथ में देख रहे हो, बहुत बढ़िया। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से देखना, अब ये पहला प्यारा क्वेश्चन है, अभी तक तो बेसिक बेसिक से सवाल चल रहे हैं, अब थोड़ा अच्छा सवाल आने वाला है, अच्छा मतलब वाकई अच्छा। तो अब देखना ध्यान से, y इक्वल टू दिस टचेस x एक्सिस एट माइनस टू कॉमा जीरो एंड कट y एक्सिस वेयर इट्स ग्रेडियंट इज 3। बाय द वे ग्रेडियंट का मतलब बता देता हूं मैं, ग्रेडियंट इज जस्ट अनदर नेम फॉर स्लोप, इज जस्ट अनदर नेम फॉर स्लोप। तो ग्रेडियंट मतलब स्लोप, ठीक बेटा। आवाज धीमी तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो आवाज ठीक होनी चाहिए, आवाज में कोई इशू होना नहीं चाहिए जितना मेरे को समझ आ रहा है, क्योंकि माइक इज क्वाइट क्लोज टू मी। ओके सर, टाइम आपकी क्लास का क्या रहता है? बेटा ये जो आपका ट्वेल्थ का बैच है शाम को 4 to 6 PM चलता है, इसके बीच में, ठीक है। ओके सो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं पहले, रफ डायग्राम कुछ ऐसा है बेटा, ऐसा आपका जो कर्व है ये पी को टच करता है माइनस टू को, एक्स एक्सिस को टच करता है माइनस टू कॉमा जीरो पे, कुछ ऐसा बना दिया, प्योर रफ ग्राफ है, बिल्कुल पता कैसा बनेगा, मैं बस गिवन इंफॉर्मेशन को यहां बना रहा हूं। ओके वाई एक्सिस को टच करता है, कट करता है, और इस पॉइंट पे इसका स्लोप हमको गिवन है कितना, 3। ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है मुझे, इन दोनों को यूज करके मेरे को ए बी सी तीनों बताने हैं, ए बी और सी तीनों बताने हैं। तो आओ देखो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। एक पॉइंट समझ आता है, अभी तक मुझे लग रहा है कि दो इंफॉर्मेशन है मेरे पास, बट कहीं ना कहीं मेरे को तीन इक्वेशंस चाहिए, यस और नो टेल मी भैया, ए बी सी तीन अननोन है, तो मेरे को कम से कम तीन इक्वेशन चाहिए तभी ए बी सी आएगा। तो आओ देखते हैं तीन इक्वेशन कैसे बनती है, दो इक्वेशन मैं लिखूंगा, तीसरी मुझे आप बताओगे, क्योंकि तीसरे में हल्का सा दिमाग लगना है। मैंने कहा अच्छा माइनस टू कॉमा जीरो पे एक्स एक्सिस को टच करता है ये, यानी कि पक्की बात है डेरिवेटिव एट माइनस टू कॉमा जीरो शुड बी जीरो, डू यू ऑल एग्री, डेरिवेटिव एट माइनस टू कॉमा जीरो शुड बी जीरो, एक्स एक्सिस टेंजेंट बन रहा है उसका। तो यहां से आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, इसका डेरिवेटिव क्या बना बेटा, 3ax² 2bx + c, ये इसका डेरिवेटिव है। माइनस टू कॉमा जीरो पुट कर दो तो ये बन गया 12a - 4b + c = 0। ये आपकी पहली इक्वेशन आई,
एग्जैक्टली सेकंड इक्वेशन वो ब्लू वाली, आपको ये बताया गया है कि वाई एक्सिस को जहां पे कट करता है ग्राफ वहां पे स्लोप 3 है। अगर इस पॉइंट को मैं क्यू कह दूं तो मुझे ये पता है डेरिवेटिव एट क्यू इज 3। या क्या तुम मुझे क्यू बता सकते हो, जरा बताओ क्या तुम मुझे क्यू बता सकते हो? क्या मैं इस इक्वेशन को देख के बता सकता हूं कि ये वाई एक्सिस को कट किस पॉइंट पे करेगी? वेरी गुड वीपी रक्षण, शाबाश सर। कोई भी कर्व वाई एक्सिस को वहां कट करता है जहां एक्स जीरो हो जाता है, जहां एक्स जीरो होता है। तो बेटा इसमें एक्स को जीरो पुट करो, वाई क्या आ रहा है? 0 + 5। तो यानी कि ये पॉइंट है 0.5। अब ये पॉइंट आपने अकल से निकाला, ये सवाल में लग से मेंशन्ड नहीं है, आपने अकल से निकाला तो ठीक है बेटा। अब डेरिवेटिव एट जो भी बन रहा है 3 लिख लेते हैं, एक मिनट, एट 0.5। तो बेटा जी डेरिवेटिव में एक्स को 0 पुट करो, वाई को 5 पुट करो। बेटा वाई तो यहां पे है ही नहीं, तो अकेला एक्स को 0 पुट कर दो, तो ये आ गया सी, कितनी वैल्यू है 3। लो भैया दो इक्वेशन तो आ गई, एक और इक्वेशन चाहिए। तीसरा इक्वेशन कहां से आएगा जरा बताओ, तीसरा इक्वेशन कहां से आएगा ये बताओ। ऐसी कौन सी चीज है जो अब तक मैंने यूज नहीं की? ओरिजिन, दक्ष बेटा ओरिजिन तो क्या यूज करेंगे बेटा, वो तो यूज हो गया कि ये 0.05 है। अरे ना ना ना, देखा तीसरे में फंस गए ना, मुझे पता तीसरे में सब फंसते हैं, यहां पे तीसरी क्वेश्चन कोई देख ही नहीं पाता। और सबसे आसान इक्वेशन है, वो सबसे आसान इक्वेशन वीएसके नॉर्मल की इक्वेशन का मैं क्या करूंगा बेटा? ना 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 ना, अभी तक एक बच्चा भी सही नहीं जा रहा। और ना ना ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हो, किसका डिस्टेंस निकाल रहे हो भाई तुम? दिवंजन वेरी गुड, उमेर वेरी गुड, एक एचसी के नाम से बच्चा है। ओ बेटा तुमने ये तो यूज ही नहीं किया कि ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट कर्व के ऊपर भी तो है। तुमने ये तो यूज कर लिया यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस है, ये यूज ही नहीं किया कि ये पॉइंट कर्व के ऊपर भी है। पी सेटिस्फाइज द कर्व, यस और नो? तो यहां से क्या मिला? -2.0 सेटिस्फाई कराओ कर्व में अपने, तो एक्स को पुट करो -2, वाई को पुट करो 0, एक्स को पुट करो -2, -8a + 4b -2c + 5 = 0। Now these are 3 basic equations in A, B, C. आपको C तो पहले ही पता है, इसको यहां पे पुट कर दो और यहां पे पुट कर दो, तुम्हारे पास B और C में दो प्यारी प्यारी इक्वेशन आ जाएंगी, वहां से A और B में दो प्यारी प्यारी इक्वेशन आ जाएंगी, वहां से A, B भी आ जाएगा। तो यहां पे C को पुट किया 3, 12a - 4b = -3, यहां पे पुट किया C को 3, -8a + 4b, 3 पुट किया बना -6 - 1 = 1। तो इन दोनों को सॉल्व करके तुम ए भी निकाल लोगे, सवाल हो जाएगा खत्म। अब सुनो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है जब भी आपको किसी पॉइंट पे टेंजेंट पता होती है तो ये बहुत नॉर्मल टेंडेंसी है बच्चों की, बच्चे ये तो यूज कर लेते हैं कि इसका जो स्लोप है वो डेरिवेटिव एट x1 y1 है, बट ये नहीं यूज करते कि ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट कर्व पे लाई करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तो इसमें यही आपने मिस किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आइडिया टेकन? ये तो भूल ही गए, आई शाबाश। तो बस अब तो क्या ये 3 इक्वेशन बन जाएंगी और तीसरी कहां बताई इसने? एक इक्वेशन ये रही, दूसरी ये रही, और तीसरी भी कहीं बना दे, कहां बनाई थी ये है क्या? हाँ ये नहीं। तो इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए बी और सी आ गए, वेरी गुड। अब देखो अगला, नाउ लेट्स पिक द सेकंड वैरायटी दैट इज टेंजेंट नॉर्मल हैविंग गिवन स्लोप। अब दूसरी वैरायटी पे आ रहे हैं, ओके पहला वैरायटी निपट गया, टेंजेंट एट अ पॉइंट, उसके जितने भी अच्छे बुरे केस बन सकते हैं हमने सारे देख लिए। इस पे जाने से पहले एक छोटी सी बात तुमको बता दूं कि तुमको पता है क्या ये बात कि जो विदातु के रिजल्ट्स आते हैं बहुत टॉप क्लास,
अगले साल अभी कभी प्रॉमिस करो सर नेक्स्ट ईयर हमारे भी रिजल्ट ऐसे आएंगे, बस ये स्लाइड तुमको मैंने तभी दिखानी है। आगे हम चलेंगे, पहले बोलो नेक्स्ट ईयर हमारे भी रिजल्ट ऐसे आएंगे। जैसे मर्जी लोग पढ़ो, पागलों की तरह पढ़ो, जहां मर्जी पढ़ो, बट ऐसे नंबर लेने हैं। 99 परसेंटाइल से ऊपर तुमको आना है, 100 परसेंटाइल तक की कोशिश करनी है, जेई एडवांस में तुमको जाना है। प्रॉमिस करो सारे के सारे फटाफट, अभी कभी सर प्रॉमिस कर दो नेक्स्ट ईयर हमारा, नेक्स्ट ईयर नहीं अब तो यही साल है शायद तुम्हारा, पता नहीं तुम्हारी पहली अटेम्प्ट कब हो जाए, आज तक जेई का कुछ नहीं पता, कभी भी अटेम्प्ट रख देते हैं। वेरी गुड, टू गुड, वेरी गुड, एग्जैक्टली दक्ष, वेरी गुड। तो चलो इस मोटिवेशन को हाई रखो, ऐसे नंबर तुमको लेने हैं, ठीक है। जैसे वेदांतों के बच्चों के आते हैं, तुम भी कहीं ना कहीं वेदांतों के ही बच्चे हो, तो तुमको ऐसे नंबर लेने ही लेने हैं। आ जाओ सवाल पढ़ो, पहले ए पार्ट पढ़ो और पहले ऑब्जर्व करो कि कहीं ना कहीं वो तुमको स्लोप देकर टेंजेंट की क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो रफ ग्राफ मैं यहां पे बना रहा हूं, कहता है इस कर्व का टेंजेंट बताओ जो इसके पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब क्या है? स्लोप सेम। पैरेलल का मतलब क्या है? स्लोप सेम। ये ब्लू वाला टेंजेंट तुमसे पूछा गया है, क्वेश्चन समझ आ गया राइट? वेरी गुड। तो इसकी स्लोप कितनी है? इसकी स्लोप है 1। तो मुझे 1 स्लोप वाला टेंजेंट चाहिए। जिन बच्चों को भूल गया मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूं, कई बार बच्चे ये हल्का सा भूल जाते हैं। स्लोप ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज माइनस a अपॉन b। अगर किसी को भूल गया तो ये आपके लिए रिकॉर्ड यहां पे। तो मुझे 1 स्लोप वाला टेंजेंट चाहिए इस कर्व का। अब सुनो इसका अप्रोच दिमाग में रख लेना है, इसका अप्रोच दिमाग में रख लेना है, तभी मैं आपके लिए वैरायटी बना रहा हूं। 3 वैरायटी बनाई है, ये सेकंड वैरायटी है, इसका अप्रोच क्या रहता है? सुनो स्टैंडर्ड अप्रोच है, आपको पता है कि मुझे ये पॉइंट चाहिए। अगर ये पॉइंट मेरे पास आ गया, बेटा स्लोप तो पहले ही पड़ी है, पॉइंट मैंने निकाल लिया तो सवाल खत्म, इक्वेशन आ गई। तो पहला स्टेप, लेट दिस पॉइंट बी एक्स वन कॉमा वाई वन। और जब भी इस पूरे चैप्टर में तुम कभी भी कर्व के ऊपर पॉइंट अज्यूम करोगे, स्टार लिख लेना है। सर स्टार का मतलब बेटा ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो उसके ऊपर लाई करेगा, ये आपका स्टार है। इस पूरे चैप्टर में मैं इस इंफॉर्मेशन को स्टार से रेफर करूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। धीरे धीरे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट सेशन यू विल रियलाइज कि अगर आपने स्टार नहीं लिखा आपका सवाल खत्म ही नहीं होगा। अच्छे अच्छे सवाल, सिर्फ ये नहीं, अगले से अगली वैरायटीज भी स्टार के बिना सवाल निपटेंगे ही नहीं। तो व्हेनेवर यू अज्यूम अ पॉइंट ऑन अ कर्व, इमीडिएटली मेक दैट पॉइंट सेटिस्फाई योर कर्व एंड राइट दैट इक्वेशन एज स्टार। सेकंड स्टेप, स्टार लिखने के बाद आप लिखेंगे भैया इस पॉइंट की क्वालिटी क्या है, इस पॉइंट की क्वालिटी क्या है। इस पॉइंट की क्वालिटी ये है कि डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट आपको पता है, यस और नो? डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट आपको पता है, ओके? तो स्टार होगा पॉइंट सेटिस्फाइज द कर्व, और हैशटैग होगा उस पॉइंट की क्वालिटी, ब्यूटी। सो ब्यूटी ऑफ पॉइंट इज, इस पे डेरिवेटिव 1 है, डेरिवेटिव यहां से निकाल लो 2x/4 2x/4 एट x1 y1 इज 1, ये बन गया x1/2। इसको आप कहोगे हैशटैग, इसको आप कहोगे हैशटैग। तो हम स्टार किसको कहेंगे? पॉइंट सेटिस्फाई द कर्व। हैशटैग किसको कहेंगे? ब्यूटी ऑफ द पॉइंट। और ये दो इक्वेशन सब कुछ सॉल्व कर देंगे, डू यू एग्री? आपके दो ही तो अननोन थे x1 y1, और दो ही इक्वेशन मेरे पास आ चुकी हैं, तो स्टार और हैशटैग विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू वांट। x1 तो 2 यहीं से आ गया, इसको यहां पुट कर दोगे, x1 2 को यहां पुट कर दोगे तो आपके पास y1 भी आ गया। तो ये पॉइंट कुछ और नहीं 2, 1 है, और एक बार ये पॉइंट आ गया तो बेटा इक्वेशन तो तुम सोए सोए भी लिख दोगे, क्योंकि सब कुछ तो पता लग गया, बचा ही क्या था। ठीक, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यश बेटा बाद में चेक करते हैं, आप पिछले क्वेश्चन में कुछ कह रहे हो तो मेरे को लगता नहीं पिछले में कोई गलती थी, ओके? अभी आगे चलते हैं, नजर मारनी तो मार लेते हैं, बट मेरे को इसमें गलती लगी नहीं बेटा। बेटा ये बिल्कुल सही है, ये ऐसे करना है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ओके? आ जाओ,
अब जरा सेकंड देखो, एक और प्रैक्टिस के लिए सवाल कर लेते हैं। कहता नॉर्मल टू दिस विच इज पैरेलल टू दिस, एक कर्व दिया हुआ है उसका नॉर्मल पूछा है जो इसके पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब सेम स्लोप, तो ऐसा नॉर्मल होगा, उसकी स्लोप मुझे पता है। इसकी स्लोप क्या है बेटा? -2/18। तो नॉर्मल की स्लोप मेरे को पता है और मेरे को इक्वेशन पूछी गई है, स्लोप मेरे को पता है, इक्वेशन पूछी गई है। फिर से स्टार एंड जेंट। आओ पिछला मेथड फिर से पूरा रिपीट करो। लेट दैट पॉइंट बी x1 y1। जैसे ही आपने ये पॉइंट अज्यूम किया कर्व के ऊपर, राइट योर स्टार। भैया y1 = x1³ - 3x1, दिस इज योर स्टार। देन यू राइट योर #, ब्यूटी ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट की ब्यूटी क्या है? इस पॉइंट की ब्यूटी ये है कि आपको यहां पे नॉर्मल की स्लोप पता है, -1/dy/dx एट दिस पॉइंट आपको पता है कितना, -1/9। निकाल लें यहां से जरा, dy/dx क्या आ रहा है बेटा? 3x² - 3। तो ये क्या आ गया? -1/3x² - 3। ये आपको -1/9 पता है। ये आ गया #। एक बार फटाफट चैट में बताओ, डू यू एग्री? स्टार एंड #, यूज करके x1 भी आ गया, y1 भी आ गया। यहां से x1 मिलेगा, उसको यहां पुट करके y1 मिलेगा। बोलो फटाफट। तो #से x1 निकालो, +-2, x1 = 2 और -2, इसको यहां पुट करके y1 निकाल लो। जब x1 को 2 रखा, 8 - 6, तो y1 आया 2। और जब -2 रखा यहां पे, -8 + 6, तो -2। तो बेसिकली पॉइंट क्या आ रहे हैं? ऐसे दो पॉइंट मिल रहे हैं जहां पे यही स्लोप है। तो बेटा रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 2, 2 and -2, -2। इसका मतलब दो आंसर आएंगे। गॉड ब्लेस बेटा, इसका मतलब दो आंसर आएंगे। 2, 2 पे भी नॉर्मल बनती है जिसकी स्लोप -1/9 है, और -2, -2 पे भी स्लोप नॉर्मल की -1/9 है। दो आंसर आ गए। तो सबको स्टार और #, डाइजेस्ट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये स्टार और #। ये पूरे चैप्टर में यूज होगा। स्टार विल बी पॉइंट सेटिस्फाइज कर्व, #, विल बी ब्यूटी ऑफ द पॉइंट। इंशाल्लाह। तो जरा आओ इस सवाल को देखो, थोड़ा सा इनडायरेक्ट है बट सिग्निफिकेंट तो मैं नहीं कहता। उसने इनडायरेक्टली बोला है स्लोप इज जीरो। डू यू ऑल एग्री? इनडायरेक्टली बोला है स्लोप इज जीरो। पढ़ो सवाल। AEEE में आया था, जो कि जेई मेन का पुराना नाम है। एग्जैक्टली द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज वेयर स्लोप इज जीरो। तो बेटा रफ डायग्राम हमेशा बनाओ, ये चाहिए तुमको। तुम्हें इसका स्लोप पता है, पॉइंट तुम्हें निकालना है। तो पहला पॉइंट को एज्यूम किया, एज्यूम करते ही स्टार लिख लिया, y1 = x1 4/x1² स्टार लिख लिया। अब लिखोगे #, इस पॉइंट की ब्यूटी। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पॉइंट? सर जी ब्यूटी ये है कि यहां पे स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है। तो डेरिवेटिव मारो बेटा, डेरिवेटिव क्या बन रहा है? y - 1 - कितना बन गया अभी? -8/x³। तो ये बन गया प्लस, नहीं ओ ओ ओ ओ, ओ फिर से वही गलती, ऐसे 1+। ओ यार क्या जिंदगी में धोखे हो रहे हैं मेरे साथ, माइनस ही आना है ऐसे 1 - 8/x³। वो एक्स क्यूब आएगा, एक्स नहीं, नीचे एक्स क्यूब आएगा बेटा, पावर -3 हो जाएगी ना। हाँ तो रख दो
वन माइनस एट अपॉन एक्स वन का क्यूब इक्वल टू जीरो। लो बेटा जी, इन दोनों से निकाल दो, एक्स वाई काम खत्म हो गया। लो जी बेटा, एक्स वन की वैल्यू क्या आ गई यहां से, टू, उसको यहां पुट किया, वाई वन की वैल्यू क्या आई, टू प्लस वन थ्री। बेटा ये दोनों आ ही चुके हैं तो किस चीज की वेट कर रहे हो, टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, हॉरिजॉन्टल लाइन है, पॉइंट टू कॉमा थ्री है, तो आंसर क्या आ गया, y इक्वल टू थ्री, हॉरिजॉन्टल लाइन है, y कांस्टेंट रहता है, y इक्वल टू थ्री इज द आंसर। छा गए, पॉइंट टेकन, ओपी हो गया, ग्रेट। तो ये जो स्टार और हैश टैग है ना बेटा, इसको पी जाना है, इसको पी जाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बिना तुम इस चैप्टर में लुढ़क जाओगे जगह जगह पे। एक सवाल और देखते हैं प्यारा सा, और फिर हम थोड़ी एप्लीकेशन देखेंगे ये सेकंड वैरायटी की, ओके? पहले सवालों में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे यूज करते हैं स्टार और हैशटैग। इफ द कर्व दिस पासेस थ्रू 0, 2, वेरी गुड, एंड हैज इट्स टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट 3/2, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। सबसे पहले रफ डायग्राम, हमेशा रफ डायग्राम बनाओ, कुछ भी कर बना दो। सबसे पहला दिया गया कि 0, 2 से पास करती है, ओके, बना लेते हैं 0, 2 से पास करती है। दूसरा, x इक्वल टू 3/2 पे जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल है, x मेरा 3/2 है, y मेरे को पता नहीं, ऐसा ऐसा डायग्राम है। सबको डायग्राम क्लियर हो गया, ऐसा कुछ डायग्राम है, स्लोप 0। तो आओ सॉल्व करें बेटा, कहीं ना कहीं मेरे को दो इक्वेशन चाहिए, पहली तो यही बैठी है, 0, 2 से पास करता है, 0, 2 सेटिस्फाई कराओ, 2 इक्वल टू बी, लो कर लो बात, बी तो सीधे ही आ गया, डू यू एग्री, ये तो कुछ मतलब टाइम पास हो गया, मतलब क्या ही सवाल है, तो मतलब एक लाइन लिख देते हैं फिर तुम कहोगे लिखा नहीं हुआ, 0, 2 सेटिस्फाइज, तो बेटा सीधे ही आ गया 2 इक्वल टू बी, चलो बी तो आ गया, अब ए चाहिए, ए यूज तो वही होना कि 3/2 पे ना हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, तो मैं बोल दूं क्या, डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 3/2 इज 0। देखो वाई मेरे को पता नहीं अभी तक, बट हो सकता है वाई की जरूरत भी ना पड़े, देखो तो जरा डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2ax - 6। डू यू रियलाइज तुम्हें वाई की जरूरत भी नहीं है, राइट? तो बेटा ये क्या बना, 2ax - 6 = 0, तो यहां से तुम्हारे पास a की वैल्यू भी आ गई, कितनी आ गई, 2, तो b आ गया 2, a आ गया 2। क्या घटिया सवाल था, लिख दो चैट में महा घटिया, लिखो चैट में महा घटिया, ओनली थिंग इज रफ डायग्राम बनाया, जो इंफॉर्मेशन थी रख दी, कुछ करना ही नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, शाबाश। तो अब थोड़ा देखो यहां पे, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, क्यों, इसमें तुम्हें ये पॉइंट समझना है, ये इसका मतलब कितनों को पता है, अलाइन मेकिंग इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब बताओ कितनों को पता है, व्हेन डू वी से अलाइन मेक इक्वल एंगल्स विद एक्सिस, तो इससे कंक्लूजन क्या मिलता है, इससे क्वेश्चन क्या मिलता है, ये बताओ। इंटरसेप्ट के बारे में नहीं यार, कुछ और बताओ, बढ़िया बताओ कुछ, लव यू बेटा, लव यू टू, जरा बताओ। देवंजन आधा ठीक, याद रखो m इक्वल टू 1 और -1, ऑलवेज रिमेंबर जब भी वो आपको सवाल में दे कि लाइन जो है इक्वल एंगल्स बनाती है x और y के साथ, तो उसकी स्लोप या तो होती है -1 और या होती है +1। बेटा ये दोनों इक्वल है तो ये तो 90 है, तो ये 45 होंगे, तो ये कितना हो गया 135, तो स्लोप क्या आ गई -1, और यहां पे तो ये 90 है, बराबर बराबर है, तो 45 तो स्लोप क्या हो गई 1। तो इट्स एन इनडायरेक्ट वे ऑफ गिविंग यू स्लोप, ओके, तो वही है वो आपसे इनडायरेक्ट लैंग्वेज में खेलेगा। तो उसने आपको कहा वो पॉइंट बताओ जहां पे टेंजेंट की स्लोप 1 या -1 है, तो आपने क्या करना है, सीधे डेरिवेटिव नहीं लिखना, लेट दैट पॉइंट बी x1 y1, रफ डायग्राम
ये रहा एक्स वन वाई वन, क्योंकि स्टार के बिना तो आगे चल ही नहीं सकते। पहले स्टार वाई वन इक्वल टू एक्स वन क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स वन स्क्वायर बाय टू, दिस इज योर स्टार। फिर आप लिखोगे इस पॉइंट की ब्यूटी। ब्यूटी क्या है कि आपको यहां पे डेरिवेटिव पता है, निकालो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ब्यूटी क्या थी, डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज आइदर वन और माइनस वन। दो इक्वेशन बनेंगी, दो दो आंसर आ जाएंगे। डेरिवेटिव क्या था, ये एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन इज वन और माइनस वन। तो बेटा जी एक बारी वन लेके सॉल्व कर देंगे और दूसरी बारी माइनस वन लेके सॉल्व कर देंगे। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट पॉइंट टेकन? बिल्कुल। तो एक बार वन लेके सॉल्व कर देते हैं, अभी माइनस वन वाला हम कैलकुलेशन देख लेंगे। तो पहला सॉल्व कर रहे हैं वन लेके, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन इक्वल टू वन। यहां से एक्स वन निकालते हैं, उस एक्स वन को यहां रख के हमें वाई वन मिलने वाला है। यहां से एक्स वन क्या आ रहा है, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स वन की वैल्यू क्या आ रही है, जरा बताओ एक्स वन की वैल्यू क्या आ रही। सर जी माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू ए। तुम देख रहे हो कितना खेल रहे हैं, तुम देख रहे हो कितना खेल रहे हैं, कितना बदसूरत एक्स वन आया है, कितना बदसूरत एक्स वन आया है, देख पा रहे हो। तोते उड़ गए, डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट, तोते उड़ गए, बदसूरत, माशाल्लाह बदसूरत। कितना अच्छा होता अगर मैं तुम्हें कहता कि बेटा माइनस वन वाला मैं सॉल्व करवा देता हूं। क्यों, अगर मैं इसको माइनस वन लेता तो यहां से एक्स की कोई वैल्यू ना आती, देख पा रहे हो, नो वैल्यू। तो यानी कि माइनस वन वाला वैसे ही रिजेक्ट हो जाता, माइनस वन वाला वैसे ही रिजेक्ट हो जाता। किस किस को समझ आ गया? तो दो ही वैल्यूज आएंगी एक्स वन की, वो गंदी सी। एग्जैक्टली exactly. अब बेटा वाई वन तो फिर करो क्यूब, ये लो 2x square आ गया इसका, तो इसका 2x square कैसे आया? ओ यार सवाल में ही कुछ गड़बड़ थी, यहां पे 2 आ रहा है तो यहां पे फिर पावर 6 नहीं 6 तो यहां पे 2 होगा सवाल में। मैं भी कहूं कि इतना भी बदसूरत क्यूब तो नहीं बनता, इतना भी बदसूरत क्यूब तो क्यों करवाएंगे बेटा। सवाल में हल्का सा मिसप्रिंट है, यहां पे 2 आना था, 2 ओहो मूड ऑफ क्या यार। मैं भी कहूं कि यार बच्चों पे इतना जुल्म, इस गंदे से नंबर का यहां पुट करके वाई निकालने में शाम पड़ जाती बेटा, शाम पड़ जाती। चलो ऐसे था, ठीक है जी। तो चलो अब कैलकुलेशन पीछे से कर ही लेते हैं बाजू। तो बेटा यहां पे टू था एक्चुअली, तो ये बनी आपका डेरिवेटिव। एक बार आपने वन लिया, एक बार माइनस वन लिया, ओके। तो जब आपने 1 लिया तो x के वैल्यू आए हाफ और माइनस वन, जब आपने इसको 1 लिया, ठीक है। माइनस वन लेके यहां से कोई वैल्यू नहीं आ रही, नो रूट, देख पा रहे हो। इसका d नेगेटिव है तो यहां से कुछ नहीं आएगा, यहां से दो वैल्यू आए, हाफ को पुट किया कर्व में तो y आ गया कोरस्पॉन्डिंग, माइनस वन पुट किया कर्व में तो y आ गया कोरस्पॉन्डिंग। तो दो पॉइंट आए जहां पे आपका जो एंगल है वो इक्वल बन रहा है, यानी कि स्लोप जो है वन है। माइनस वन वाला तो रिजेक्ट ही हो गया, वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा, ठीक। ये सुंदर था, मैं भी कहूं यार रूट फाइव लगा दिया, ऊपर से क्यूब करवाएंगे, बस जान लेंगे बच्चे की, ये तो पाप हो गया। तो एग्जैक्टली आयशा, ये बेटा असली सवाल है, ये IIT में आया था 85 में। यहां पे उन्होंने थोड़ा बच्चों को चेक किया कि बेटा बच्चे वाकई क्या कैलकुलेशन या सवाल की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं या बिल्कुल टाइम पास करते हैं। तो आओ इस सवाल को करते हैं, ये बहुत प्यारा सवाल है। फाइंड ऑल टेंजेंट्स टू दिस दैट आर पैरेलल टू दिस, यानी कि आपको स्लोप गिवन है। तो मैं तो पहले रफ डायग्राम बनाऊंगा ऐसे, स्लोप कितनी है माइनस हाफ। इस पॉइंट को मैंने माना x1 y1, तुम देख रहे हो बिल्कुल सवाल सिंपल है,
फिर इसमें कैलकुलेशन में जोर आएगा और वो सीखो कि वो जोर कैसे लगाना है। अब ये सीखना जोर कैसे लगाना है, पहले तो स्टार लिखेंगे भैया, वाई वन इक्वल टू कॉस एक्स वन प्लस वाई वन, ये मेरा आ गया स्टार। अब लिखेंगे ब्यूटी, ब्यूटी क्या है कि डेरिवेटिव जो है एट दिस पॉइंट वो हमें गिवन है माइनस हाफ, तो चलो अभी डेरिवेटिव निकालो इसका, डेरिवेटिव निकालते हैं। डिफरेंशिएट किया वाई डैश इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू चेन रूल मत भूल जाना वन प्लस वाई डैश, तो यहां से वाई डैश निकाला तो वाई डैश क्या आ जाएगा बेटा, इधर आके माइनस होगा तो ये वन प्लस साइन बना और इधर बचा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो डेरिवेटिव आ रहा है ये साइन एक्स वन प्लस वाई वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स वन प्लस वाई वन। एक काम करो फटाफट यहां से ना, ये मेरा हैश आ गया, यहां से मुझे जरा साइन की वैल्यू बताओ फटाफट, क्योंकि यहां से सीधा निकलता दिख रहा है तो निकाल ही लेते हैं। जरा निकालो साइन क्या आ रहा है, फटाफट निकालो यहां से साइन निकालो कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है साइन। यहां माइनस था, वन आ रहा है ना, वन आ रहा है, वन आ रहा है, वन सीधे दिख रहा है, वन लेके माइनस वन बाय टू बन रहा है। अब सुनो सॉल्विंग शुरू हो रही है, असली सॉल्विंग अब शुरू हो रही है, ध्यान से देखना। हमें स्टार और हैश टैग को यूज करके फाइनली x1 y1 निकालना है, क्योंकि ये पॉइंट आ गया तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख दूंगा। अब हुआ क्या, यहां से मुझे क्या पता लगा कि अगर साइन मेरा वन है, तुम देख पा रहे हो मैं सीधे ही कह सकता हूं कि y1 जीरो होगा, कितनों को समझ आ रहा है। नो दक्ष, दैट इज इनकम्प्लीट कंक्लूजन दैट यू आर मेकिंग। अगर साइन मेरा वन है तो डू यू एग्री कॉस जो होगा वो जीरो होगा, अगर साइन थीटा वन है तो कॉस थीटा जीरो होगा। इसमें अभी एक नजारे आने वाले हैं, ध्यान रखना, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, एक बहुत प्यारा नजारा आना है। अगर साइन वन है तो पक्की बात है कॉस तो जीरो होगा, तो वाई वन तो डायरेक्टली आ गया, वाई वन तो डायरेक्टली जीरो आ गया, पर अभी सिर्फ वाई वन आया है, एक्स वन नहीं आया, और वहां पे हल्का सा जोर लगेगा तभी तो सवाल आया टी में आया बेटा, तभी तो सवाल आया टी में आया है। जोर क्या लगना है सुनो, जब तुम्हारा वाई वन जीरो आया तुमने यहां पुट किया, ऑब्वियसली बात है यहां पुट कर दोगे, देयरफॉर साइन ऑफ एक्स वन इक्वल टू वन, और यहां पे तुम करोगे गलती, यहां पे तुम करोगे गलती, गलती क्या होगी, तुम कहोगे सर एक्स वन शुड बी पाई बाय टू, तुम कहोगे एक्स वन शुड बी पाई बाय टू, मैं कहूंगा नहीं, एक्स वन शुड बी पाई बाय टू और माइनस थ्री पाई बाय टू। फिर तुम मुझे पूछोगे सर ये कैसे आया, फिर मैं तुम्हें बोलूंगा तुमको कैसे पता कि साइन थीटा, ये जो साइन एक्स वन है ये एक्स वन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किसने कहा, किसने कहा कि ये जीरो से पाई बाय टू तक ही है, आगे भी तो हो सकता है पीछे भी तो हो सकता है, तुमने जनरल सॉल्यूशन क्यों नहीं लिखा। बात तो सही है, पर सर अगर जनरल सॉल्यूशन ही लिखना था फिर तो बहुत सारे एंगल आएंगे जहां पे साइन वन होता है, बहुत सारे, टू बी प्रिसाइज, जिसको अगर भूल गया तो लिख के रख लो, साइन थीटा वन कब होता है, फोर के प्लस वन पाई बाय टू, इस पे साइन थीटा वन होता है, लिख के रख लो अगर भूल गया तो। सर फिर तो सारे एंगल लेने चाहिए थे, मैं बोलूंगा नहीं, क्यों, ध्यान से देखना, मैं बोलूंगा आपने अगर एक्स वन पे कमेंट करना है, वाई वन पे कमेंट करना है, तो एक बार देख तो लो कि वो लाइक कहां पे करते हैं, देख तो लो ना लाइक कहां पे करते हैं, अगर मैंने यही नहीं देखा कि वो लाइक कहां करते हैं फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, डू यू एग्री, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सर बात तो सही है, तो आओ देखें कि वो लाइक कहां पे करते हैं। ये क्या लिखा है, एक्स लाइज इन माइनस टू पाई से टू पाई, माइनस टू पाई से टू पाई में दो वैल्यूज है एक्स की जिसके लिए साइन वन बनता है, एक पाई बाय टू है और एक माइनस थ्री पाई बाय टू है। कंसेप्ट समझ आ गया सवाल का, ये चीज तुमने मिस कर दी। तो दो पॉइंट बने, पहला पॉइंट बना पाई बाय टू कॉमा जीरो
और दूसरा पॉइंट बना -3π/2, 0। इन दो पॉइंट्स पे स्लोप जो है -1/2 है, तो दो आंसर आए। एक बार चैट में लिख दो मेरा भाई अगर पॉइंट समझ आ गया, y-0 - 1/2 x - π/2 पहला आंसर, और y-0 - 1/2 x + 3π/2। y1 की सो जीरो कैसे है बता दो बेटा। अगर साइन थीटा वन है तो कॉस थीटा ऑब्वियसली जीरो होगा। अगर साइन थीटा वन है तो ऑब्वियसली कॉस थीटा जीरो होगा। बहुत प्यारा सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसको जरूर रिपीट करना है क्लास के बाद, इस पे टाइम लगाना है, इसको अच्छे से पी जाना है तुमने, ठीक। वेरी गुड, आ जाओ आगे देखो। लेट्स सी वन मोर एप्लीकेशन, वन वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सेकंड रेटी। ये तो अपने सेकंड रेटी पढ़ा ना, टेंजेंट हैविंग गिवन स्लोप, इसका बहुत प्यारा एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन क्या होता है सुनो, वो तुमको एक कर्व दे देंगे और एक लाइन दे देंगे बाहर कहीं, और तुमसे इस कर्व पे वो पॉइंट पूछेंगे जो इसके क्लोजेस्ट हो, लाइन के क्लोजेस्ट हो। कितने बच्चों को ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि ये पॉइंट वो होगा जहां पे टेंजेंट इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम कोई भी और पॉइंट लोगे तो वो इससे दूर जाएगा, तो वो इससे दूर चला जाएगा। यही पॉइंट है जो क्लोजेस्ट रहेगा। ओके, सो याद रखना, जब भी तुमको बोला जाए कि इस कर्व पे वो पॉइंट बताओ जो इस लाइन के क्लोजेस्ट है, तो प्राइमरीली तुमको x1 y1 निकालना है जहां पे पैरेलल टेंजेंट आती है। जैसे कि ये सवाल अब घटिया हो गया, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस विच इज नियरेस्ट टू दिस। भैया मैं क्या करूंगा, लेट द पॉइंट बी x1 y1। ओके, मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल टेंजेंट यहां बनाऊंगा, यानी कि स्लोप -1। तो ये जो पॉइंट है मेरा आंसर होगा, एग्जैक्टली स्वीकर, दे जस्ट प्लेइंग विद द लैंग्वेज। सो बेटा स्टार और हैशटैग लगा दोगे, कर दोगे सवाल को, बोलो फटाफट चैट में बोलो। सेम क्वेश्चन बस पूछा अलग तरीके से गया है, Yes. अब यहां पे वो, अच्छा एक बात बताओ, यहां पे अगर आंसर दो आ गए, करेक्ट वाला कैसे पिक करोगे? मैं बताता हूं, इसका अगर तुम एग्जैक्ट डायग्राम बनाओ तो तुमको दिखेगा कि दो आंसर आने वाले हैं। अगर तुम एग्जैक्ट डायग्राम बनाओ, क्योंकि तुम बना सकते हो, एलिप्स है बेटा, एलिप्स है तो एग्जैक्ट डायग्राम बना सकते हो, और लाइन जो है वो यहां पे है, ऐसी है, तो तुम देख पा रहे हो ऐसे दो पॉइंट बन रहे हैं जहां पे टेंजेंट पैरेलल आएगा, ऐसे दो पॉइंट बन रहे हैं, तुम्हारे पास दो आंसर आने वाले हैं, तो कैसे पकड़ोगे कि सही वाला कौन सा है? वेरी गुड, या तो तुम जो दो पॉइंट आएंगे उनका डिस्टेंस निकाल लो, इससे जिसका डिस्टेंस कम आएगा वो तुम्हारा आंसर है, या फिर एलिप्स है डायग्राम बना लो, दिख जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, जो थर्ड में है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यस, एलिप्स ही तो है, तो तुम्हारी मर्जी है, तो डिस्टेंस निकाल लेना या फिर डायग्राम से ही पता कर लेना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आना है मेरा। शाबाश, अब सुनो बेटा, अब थर्ड वैरायटी आती है। ये वैरायटी थोड़ी सी रेयर रहती है, अगर हम बात करें आप जब सॉल्विंग करेंगे थोड़ी सी कम मिलेगी, बट जेई में आती है, ऐसा नहीं कि जेई में नहीं आती, जेई में आती है। तो थर्ड वैरायटी है टेंजेंट या नॉर्मल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इसे बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये जो आप हमारे साथ यहां पे पढ़ते हो ना, सिमिलर क्लासेस हमारे जो प्लेटफॉर्म पे होती हैं, वहां पे भी आप पे उतना ही जोर लगाया जाता है जितना हम यहां पे लगाते हैं। मैं ये क्यों शेयर करता हूं, क्योंकि यहां पे ना कुछ प्यारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सब्सक्रिप्शन वाले बच्चे होते हैं, यहां पे आके सेशन भी लगाते हैं, क्योंकि मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप हाइब्रिड बनाओ, तो उनको पता रहे कि दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अगर यहां पे मजे आते हैं, यूट्यूब पे मजे आते हैं, YouTube पे आप सीखते हो तो यहाँ पे भी आप सीखते हो। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ पे आपके पास और ज्यादा टूल आ जाते हैं टीचर से इंटरेक्ट करने के, राइट, टीचर से इंटरेक्ट करने टूल आ जाते हैं, आप टीचर से बात कर पाते हो, क्विजिंग होती है, आपकी टेस्टिंग होती है, एंड लेट मी टेल यू, जितने भी क्विजिंग होती है ना, आप जो जवाब देते हो वो सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं स्लाइड बाय स्लाइड, यानी कि आप बच्चे जो सब्सक्रिप्शन पे पढ़ते हो
एक एक स्लाइड का आपका रिस्पॉन्स नोटेड होता है, जिसको चलते रहते हैं, स्टडी करते हैं, और सेशन के एंड में जब 12th का एंड आता है तो आपको अकॉर्डिंगली सजेशन दिया जाता है, राइट। तो दोनों के अपने फायदे हैं, कोशिश करो दोनों का हाइब्रिड बनाओ, एक को फॉलो करो, दूसरे से उसका कॉम्प्लीमेंट बना दो, जहां पे इसका स्ट्रेंथ है ये उठाओ, जहां पे इसका स्ट्रेंथ है वो उठाओ, बट पूरा सीखो, क्योंकि तुम्हें अच्छे नंबर लेने हैं, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ठीक। आ जाओ, तुमने अपनी पूरी ताकत लगा देनी है, एक एक रिसोर्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना है, जिससे तुम्हारा रैंक ऊपर जाए। जो यूट्यूब से सीखने को मिलता है वहां से सीखो, जो आपको प्लेटफॉर्म से सीखने को मिलता है वहां से सीखो। टीचर तुमको दोनों जगह बहुत जोर लगा के पढ़ाते हैं बेटा, यहाँ पे भी हमको आपको पूरा पढ़ाते हैं, वहां पे भी पूरा पढ़ाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे वन वे रहता है और वहां पे टू वे रहता है, और वहां पे डाउट ऐप का एक्सेस आ जाता है, आपका टेस्टिंग का रिपोर्ट आ जाता है, मल्टीपल चीजें आती है जो आपको इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं। तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक एक हाइब्रिड बना के अपनी तैयारी को टॉप क्लास देके जाओ, ठीक। गॉड ब्लेस यू बेटा, आ जाओ। अब ये क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस थ्रू ओरिजिन आर गिवन बाय, थ्रू ओरिजिन, क्या तुम देख पा रहे हो 0,0 पे लाइन नहीं करता, देख पा रहे हो, तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आ रहा है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आ रहा है, कितनों को समझ आ रहा है। मैं इसका अगर एग्जैक्ट डायग्राम बना दूं, क्योंकि डायग्राम बहुत प्यारा है, x2+9 ऐसा होगा, ओरिजिन से पास करती हुई टेंजेंट की बात की जा रही है, दिख भी रहा है आंसर दो आने वाले हैं, यस और नो, आंसर दो आने वाले हैं, देख पा रहे हो, आंसर दो आने वाले हैं, ओके, पर डायग्राम में एक ही बनाओ, अपने आप दो आ जाएंगे। अच्छा याद रखो, अगर तुम्हें पहले से पता हो ना कि आंसर दो आने हैं, तो डजंट मीन कि तुम दो दो निकालने बैठ जाओ, तुम एक ही निकालोगे, आंसर अपने आप दो आएंगे। ये बहुत अच्छी गलती करते हैं, सर मैं तो शुरू से दो दो निकाल लूंगा, इसको x1 y1 मान लूंगा, इसको x2 y2 मान लूंगा, और नहीं मेरे बेटे, सिर्फ इसी को x1 y1 मानना है, अपने आप इसकी वैल्यूज दो आ जाएंगी, अपने आप इसकी वैल्यूज दो आ जाएंगी। करना क्या है बेटा, हैश और स्टार और हैश टैग ही लगाने का तरीका है, आप लगाते कैसे सुनो, भैया लेट दिस पॉइंट बी x1 y1, तो स्टार तो लिखी दो, y1 = x1² + 9, ये तुम्हारा हो गया स्टार। अब सुनो हैश टैग कैसे लिखना है, बोला गया है वो वाला टेंजेंट जो ओरिजिन से पास करता है, अब इस पॉइंट की ब्यूटी कैसे लिखेंगे सुनो, इस पॉइंट की ब्यूटी लिखेंगे कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट की स्लोप है, दैट इज सेम एज टू पॉइंट स्लोप, डू यू एग्री, टू पॉइंट स्लोप, y1 - 0 / x1 - 0, कितनों को समझ आ गया। तो यहां पे ब्यूटी लिखी कैसे गई ये इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ नहीं। गॉड ब्लेस यू, सिर्फ साथ बेटा, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो स्टार तो इजी रहता है, राइट, लेट दैट पॉइंट बी x1 y1, पर हैशटैग क्या, ब्यूटी ऑफ दैट पॉइंट। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट जब टेंजेंट बनता है या नॉर्मल बनता है, ब्यूटी को लिखना ऐसे है कि इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो इस टू पॉइंट स्लोप के बराबर है। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, क्वेश्चन इज डन, तो यहां से डेरिवेटिव निकाल लो फटाफट, 2x, तो ये क्या आ गया, 2x1 = y1 / x1। तो बेटा इसको और इसको सॉल्व करना है, यहां से x1² की वैल्यू दिख रही है, x1² की वैल्यू है y1 / 2, पुट कर दो बेटा, तो y1 / 2 पुट कर दो यहां पे, स्टार इंप्लाइज y1 = x1² की वैल्यू क्या बेटा, y1 / 2 + 9, तो y1 आ गया अपने आप 18, और तुम देख पा रहे हो इस y1 को यहां पुट करोगे, x की दो वैल्यूज आएंगी, वो पहले से दिख भी रहा था कि दो आंसर आने वाले हैं। पुटिंग इन स्टार x1 क्या आ गया, +-3, तो ऐसे दो पॉइंट 3,18 एंड -3,18 जहां पे ये टेंजेंट बनेगी। आया मजा, एंड वंस यू नो दिस पॉइंट 3,18, क्या तुम इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो, सर सोए भी लिख सकते हैं, सर ये पॉइंट पता है 3,18, ये पता है ओरिजिन, सर जी टू पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, दोनों पॉइंट पता है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, y-18 = 3 x minus
एक्स माइनस थ्री, ऐसे ही इधर की टेंजेंट भी लिख दोगे, आगे नजारे परफेक्ट हो। सो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट के केस में स्टार तो इजी है, हैश टैग को लिखना एक कला है, हैश टैग को लिखना एक कला है। ठीक, एक सवाल और कर लेते हैं, सेम थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। आ जाओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट। अगेन देखो कि 1,2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1,2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। रफ डायग्राम बनाओ, सबसे पहले रफ डायग्राम बनाना बता रहा हूं, ये बहुत हेल्प करता है। ओके, तो यहां कहीं 1,2 बना लेते हैं, ये पूछा गया है, ये नॉर्मल पूछा गया है। सबसे पहले तो स्टार भैया, लेट दिस पॉइंट बी एक्स वन वाई वन, लिख दो स्टार एक्स वन स्क्वायर फोर वाई वन। फिर लिखोगे ब्यूटी ऑफ द पॉइंट, दैट इज हैशटैग। ब्यूटी क्या है, अब ध्यान से देखना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल तो माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ये होती है नॉर्मल की स्लोप, शुड बी इक्वल टू टू पॉइंट स्लोप, टू पॉइंट स्लोप y1 माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस वन। सबको समझ आता है, सबको समझ आता है, बोलो बोलो बोलो, सबको क्लियर होता है। डेरिवेटिव निकाल लो, क्या आ रहा है बेटा, उसे 2x 4y डैश, तो x बाई टू, तो माइनस वन अपॉन एक्स वन बाई टू, तो ये टू ऊपर चला गया, इक्वल टू y1 माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस वन, ये आ गया तुम्हारा। इनको सॉल्व करेंगे x1 y1 आ गया, सवाल खत्म। इनको सॉल्व करेंगे x1 y1 आ गया, सवाल खत्म। एक बार लिख दो चैट में स्टार हैशटैग की जय हो, स्टार एंड हैशटैग की जय हो, एक बार लिख दो स्टार और हैशटैग, इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है बेटा, तुमने इसको यूज करना सीख लिया पूरा चैप्टर निपट जाएगा। शाबाश, एग्जैक्टली ओ स्पीकर, बैकलॉग कौन सा आ गया ट्वेल्थ में तेरा यार, टेंशन मत ले, अभी अगले चैप्टर जो आने हैं उसमें पिछला कोई यूज नहीं होना, ठीक है। शाबाश, तो बस इनको सॉल्व कर लेंगे और जैसे मेरे पास पॉइंट आ जाएंगे इक्वेशन लिख दी जाएगी। बहुत बढ़िया, एक थर्ड वैरायटी हमने जो अभी पढ़ी उसका एप्लीकेशन देखते हैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जो पढ़ रहे हैं उसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। ओके, ये सवाल देखो पहले, पहले पढ़ लो फिर इसका बेस बनाता हूं, इसका बेस बनाना पड़ेगा, सीधे करोगे तो दिक्कत होगी। पहले सवाल पढ़ लो, बस सवाल है क्या, फाइंड पी सो दैट पी एक्स इक्वल टू लॉन एक्स हैज टू सॉल्यूशंस। ओके, आओ इसका बेस बनाएं पहले। सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुमको याद है हम इलेवेंथ में कुछ ऐसा करते थे, अगर मुझे एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं तो हम f और g को प्लॉट कर लेते थे और जितने पॉइंट्स पे वो कट करते थे वो उनके सॉल्यूशंस होते थे। बेसिक याद आया, अगर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स के नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो हम f और g को प्लॉट कर लेते हैं और उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं वो उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। जैसे इस केस में तीन सॉल्यूशंस आएंगे। एग्जैक्टली ये पहला बेस पॉइंट बताए, टोटल में को तीन बेस पॉइंट बनाने हैं तो जाके वो सवाल निपटेगा। ये पहला बेस पॉइंट। चलो अब दूसरा बेस पॉइंट, दूसरा बेस पॉइंट ये है बेटा, जो लॉग होता है ना, लॉग, लॉग के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। हम ग्राफ को जोश जोश में ऐसे बनाते हैं, लॉग के ग्राफ को जोश में ऐसा बनाते हैं, बट इन रियलिटी ये ग्राफ होता है ना, ये बहुत छोटा रहता है, बहुत ही छोटा। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर मैं log x बेस 10 की बात करूं, तुम x को जब 1 लाख पुट कर दोगे वैल्यू 5 आएगी, यू अंडरस्टैंड दैट, 1 2 3 4 5 बेस 10 आंसर इज जस्ट 5, समझ लो। तो log जाता तो ऊपर की ओर है बट बहुत ही धीरे जाता है, बहुत ज्यादा धीरे जाता है। ओके, इतना धीरे जाता है कि अगर तुम एक लाइन बनाओ जिसकी स्लोप ना जस्ट पॉजिटिव है, जस्ट पॉजिटिव, बड़ी मुश्किल है बनानी, ऐसी जस्ट पॉजिटिव है, बहुत थोड़ी सी ऊपर जा रही है, वो भी एक टाइम के बाद लॉग को क्रॉस कर जाएगी, वो
भी एक टाइम के बाद लॉग को क्रॉस कर जाएगी। ये सेकंड बेस समझ आ गया, सेकंड बेस क्लियर। लॉग बहुत धीरे बढ़ता है, तो अगर एक लाइन इसको कट कर गई है यहां पे, वो दोबारा भी कट करेगी पक्के से, क्योंकि लॉग तो बहुत धीरे बढ़ेगा, लाइन फिर भी धीरे धीरे ऊपर की ओर तेजी से निकल जाएगी। ओके, अब सुनो जरा लास्ट बेस पॉइंट। अब अगर बेटा सुनो मेरी बात, अगर मैं तुमको एक लॉग का ग्राफ बना दूं और बोलूं कि यार ओरिजिन से इसका टेंजेंट बनाओ, डू यू एग्री? तुमको बनाना आता है? डू यू एग्री तुमको बनाना आता है? हाँ सर, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है, बना सकता हूं। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है, बना सकता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, इसकी स्लोप कुछ आ गई एम, इसकी स्लोप कुछ आ गई एम मान लो। अगर मैं इस स्लोप को थोड़ा सा कम कर दूं, थोड़ा सा कम, डू यू एग्री ये येलो लाइन लॉग के ग्राफ को दो जगह कट करेगी, यहां पे और कुछ टाइम के बाद यहां पे। ब्लू वाली टेंजेंट है तो वो एक जगह मीट करती है, मैं थोड़ा सा भी नीचे आ गया तो दो बार कट कर जाएगी, दो बार कट करेगी, एक बार यहां एक बार वहां। हाँ सर, ये दो बार कट करने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं इसकी स्लोप जीरो ना कर दूं, जब तक मैं इसकी स्लोप जीरो ना कर दूं। तो ब्लू लाइन एक एक्सट्रीम है जहां पे एक सॉल्यूशन आता है, रेड लाइन दूसरा एक्सट्रीम है जहां पे एक सॉल्यूशन आता है, जो बीच की सारी लाइनें हैं वो दो दो बार कट करेंगी, दो दो बार कट करेंगी। अब सवाल को दोबारा पढ़ो, आओ मेरे प्यारे बच्चों सवाल पढ़ो, पढ़ो सवाल। Do you agree? यहां पे बोला गया है px और ln x के दो सॉल्यूशन आने चाहिए, तो px को मैंने प्लॉट किया, सिंपल एक लाइन है जिसकी स्लोप p है बेटा। ln x को मैंने प्लॉट किया, सिंपल ln x का ग्राफ है। मैं p की कौन सी वैल्यू लेना चाहूंगा जो इससे कम होंगी और जीरो से ज्यादा होंगी? Do you agree? जो इस ब्लू की स्लोप से कम होगी और जीरो स्लोप से ज्यादा होगी, डू यू एग्री? वो वाले पी के वैल्यूज में लूंगा। पी कुछ नहीं है, इसका स्लोप है बेटा, पी कुछ नहीं, इसका स्लोप है। तो अगर इस ब्लू लाइन की स्लोप एम आती है, इस ब्लू लाइन की स्लोप एम आती है, तो मेरा जो पी है दैट शुड बी लेस देन एम, ग्रेटर देन जीरो। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? ना क्या आए नजारे, आए नजारे? वेरी गुड। So this line will cut ln x at two points. अगर इस लाइन की जो स्लोप है p वो इस m से कम हो और जीरो से ज्यादा हो, और ये m तो अभी टाइम पास से निकाला मैंने, कैसे निकालते हैं m? लाइक स्टार हैश टैग, लेट दिस पॉइंट बी x1 1 by 1, सेटिस्फाई कराओ px1 equal to ln x1, लिख दिया स्टार, अब लिखो हैश टैग। हैश टैग क्या है? डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट ln x का, ln x का डेरिवेटिव should be equal to two point slope y1 upon x1। ये आ गया तुम्हारा hashtag, hashtag से y1 तो directly मिल गया बेटा, directly। अगर y1 मिल गया तो क्या तुमको x1 नहीं मिलेगा? यार यहाँ पे एक, हाँ कितनों यार, एक मिनट, चलो ठीक है, मतलब एक मिनट गया, मैंने छोटी सी गलती कर दी। y1 equal to ln x, sorry, मतलब ln x के लिए कर रहे हैं ना, ln x, तो y1 equal to ln x1, right? तो बेटा y1 तो 1 आ ही गया है, तो ln x1 से x1 भी आ गया, x1 आ गया e। अब तुमको x1 पता है, y1 पता है, तो सवाल खत्म हो गया बेटा। This is e comma 1, तो m कितना आ गया? m आ गया 1 by e। तो आपका p जो है ना 1 by e से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, सवाल हो गया खत्म। जिसको मजा आ गया एक बार चैट में लिख दो VLOP, hashtag मेरा भाई मेरा भाई। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। बिल्कुल स्वीकर, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने।
तो उस ब्लू लाइन की स्लोप हमने निकाल ली जो कि कुछ नहीं है, टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन है लॉन एक्स का, उसकी स्लोप आ गई 1/e। अब जो येलो लाइन है आपकी पी वाली, वो 1/e से नीचे होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। फिनिश्ड। बहुत प्यारा सवाल है, इसको आपने रिपीट करना ही करना है। अच्छा तुमको एक बात बताता हूं, ये एक केस है जो अपने आप में एक वैरायटी नहीं है, अपने आप में एक वैरायटी नहीं है, बट हां इसका सवाल 2-3 बार पूछा जा चुका है जेईई मेन और एडवांस दोनों में, ठीक, बट केस नहीं है, अपने आप में कोई वैरायटी नहीं है, बट इसको हम अलग से कर लेते हैं ताकि थोड़ा एक्सपर्टीज आ जाए। आप देखोगे जब सवाल करेंगे तुमको एक भी स्टेप ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ खास है, सर बेसिक ही तो है, बट पूरे सॉल्यूशन का जो लास्ट स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां बच्चे गिर जाते हैं। तो वो लास्ट स्टेप तुमको अच्छे से बताने के लिए ही इसको मैं अलग से हेडिंग देके बता रहा हूं। ओके, हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू। ओ माय गॉड यार, तुम बच्चे बहुत क्या है तो। ठीक है, ओके आ जाओ। एक बहुत ही प्यारी बच्ची या बच्चा है जिसका बर्थडे है, उसको विश कर दो। सो चलो छोड़ो, अभी उसमें जाना नहीं चाहते, अभी इस पे आते हैं। सो इससे जाने से पहले मैं छोटा सा बात बता दूं आपको, ये जो तुमको मैं वीआईपी के बारे में बताता हूँ नॉर्मली कि वेदांतु आपको प्रॉमिस देता है आपका रैंक रिजल्ट एवरीथिंग, इट हैज बीन कवर्ड इन वेरी वेरी फेमस मैगजीन फोर्ब्स आल्सो, एक मैगजीन है फोर्ब्स के नाम से, जिसने की एक आर्टिकल दिया प्रॉपर, वेदांतु डज अ डोमिनोज, यानी कि डोमिनोज ने स्कीम दी थी ना 30 मिनट्स फॉर फ्री, अब पिज्जा आए फ्री, तो उन्होंने कवर किया है वेदांतु को लेकर, और ये बहुत प्राउड की मोमेंट है कि यस इस लेवल पे इसका रिकॉग्निशन हो रहा है, दैट वी आर द फर्स्ट एजुकेशन कंपनी जहां पे आपको गारंटी दी जाती है कि आपका रैंक आएगा। एग्जैक्टली, रैंक नहीं आया तो कंप्लीट फी विल बी रिफंडेड। सो जस्ट वांटेड टू शेयर दिस हैप्पीनेस विद यू, क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि जब आप कहीं काम करते हो उसकी जो बड़ी चीजें उनकी कवर होती हैं मैगजीन्स में या इंटरव्यूज में, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू, ठीक है। ओके, सर्च मारना फोर्ब्स वेदांतु। ओके, आ जाओ क्वेश्चन पे, आओ इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं तब तक क्वेश्चन पढ़ो। ये रखा तुम कहोगे सर सवाल में कुछ भी नहीं है, एक्चुअली कुछ है भी नहीं, बट इसका जो लास्ट स्टेप है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट स्टेप बताने के लिए मैंने इस सवाल को अलग से रखा है। तो सुनो, कहता इफ टेंजेंट एट 1,1 ऑन दिस कर्व मीट द कर्व अगेन एट क्यू, फाइंड क्यू। कुछ नहीं करना, जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल वही है, हम इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे और उस इक्वेशन को कर्व के साथ सॉल्व कर देंगे, अपने आप क्यू आ जाएगा। डू यू ऑल एग्री? Do you agree? God bless you, पर भी never mind, बस पढ़ो अच्छे से सीखो, वो important है, ठीक है? आ जाओ, do you all agree? करना तो यही है ना, हम इसकी tangent की equation निकाल लेंगे, कर कर solve कर देंगे तो point of intersection आएगा, but वो solve करते वक्त एक point बड़ा important आएगा, वो point आपने देखना है। चलो पहले tangent निकाल लेते, इसका derivative निकालो 2y(y'), 2 - 3x², तो मुझे चाहिए 1,1 पे, तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 - 3/2, यानी कि -1/2। तो टेंजेंट की इक्वेशन तो आराम से आ गई, तो टेंजेंट की इक्वेशन है y - y1 स्लोप x - x1, 2y - 2 - x + 1, तो जो भी बन गया बना दो यार, x + 2y = 3, ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। अब आपने इस टेंजेंट को सिंपल कर्व से सॉल्व करना है, बात तो सही है, सॉल्व कर देते हैं, पर तुम्हें दिख रहा होगा कि जब इसको कर्व से सॉल्व करेंगे इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी आएगी। डू यू ऑल एग्री? इक्वेशन थोड़ी बड़ी आएगी, क्या देख पा रहे हो जरा बताओ? एक बच्चा गया सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, टीचर से भी मिलना चाहता हूं सबसे। देखो पर्सनली तो कभी पता नहीं मिल पाए ना पाए, आप कभी भी आओ, मैं ऑलवेज रेडी रहता हूं, बच्चों से मिलकर बहुत मजा आता है, पर मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि एक सेशन लेके आऊँ तुम्हारे साथ जूम मीटिंग के थ्रू, जहाँ पे जितने टीचर्स हैं बता दूँ कि एटलीस्ट मैथ टीम के, क्योंकि मैथ टीम तो मैं भी देख सकता हूँ ना,
उन सब से आपको कभी मिला हो रूबरू, पर ऑफ कोर्स जूम के थ्रू, क्योंकि एक साथ सारे इकट्ठे तो हम ही नहीं हो पा रहे आजकल कोरोना के करके। आज जो देखते हैं, आई एम जस्ट प्लानिंग इट, y स्क्वायर इक्वल टू 2x, अगर सॉल्व करेंगे एक बड़ी इक्वेशन आएगी, ऑब्वियसली बात है। मैं काम करता हूं x की वैल्यू या y की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, ठीक है, क्या आप x पुट कर दे, x पुट कर देते हैं तो x आ गया 3 - 2y, तो y स्क्वायर इक्वल या क्यूब करना पड़ेगा, क्या करते हैं y को पुट करते हैं, कौन क्यूब करेगा बैठ के, y को पुट करते हैं, जो छोटा रहेगा, y की वैल्यू है 3 - x / 2, पुट कर दो 3 - x / 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - x³। अब तुम देख रहे हो थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन आ गई यहाँ पे, लव यू टू बेटा, गॉड ब्लेस यू, थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन आ गई। तो चलो इसको मैं थोड़ा चीटिंग मार लूं, अगर तुम अलाउ करो, ये इक्वेशन बन जाएगी ये रही 4x³ x² -14x + 9। अब सुनो मेरी बात, अब आता है मेन पॉइंट। अब सुनो, इस सवाल में ये अक्सर होगा कि जब तुम टेंजेंट निकाल लोगे, उसको कर्व से सॉल्व कर दोगे, एक बड़ी इक्वेशन आएगी, क्यूबिक आ सकती है, 4 डिग्री आ सकती है, बड़ी इक्वेशन आएगी। अब पॉइंट क्या है, आपको पता है, अब आ रहा है मेन पॉइंट, ध्यान सुना, आपको पता है कि क्यूबिक को सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट रूट बाय हिट एंड ट्राई, एक रूट आता है, एक फैक्टर आ जाता है, फैक्टर आ गया तो डिवाइड करके बाकी पूरा सवाल खत्म होता है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यू शुड बी नोइंग कि यहां पे हिट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस इक्वेशन का एक रूट पहले से ही पता है, डोंट यू थिंक सो? अरे ये भी तो इस लाइन और कर्व का पॉइंट ऑफ मीटिंग है ना, इस पे भी तो मीट कर रहे हैं, आया मजा? तो यहां पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब ये बड़ी इक्वेशन बनेगी आपने डरना नहीं है, कोई हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना, ये रहा रूट, तो 1 इसका रूट है, तो इसको x माइनस 1 से डिवाइड करके सॉल्व करके आंसर आएगा, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा जिसके बाद इस पॉइंट को पूरा खत्म करूंगा, ऐसा जो पॉइंट बाद में आता है बाद में, बट थोड़े मजे के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं, याद रखना, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में लाइन और कर्व को सॉल्व करेंगे तो ये जो रूट आएगा आपका ए, मान लो आप एक्स में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आपने लाइन की इक्वेशन और कर्व को सॉल्व किया और आपने एक्स में सॉल्व किया, तो डू यू एग्री ए मिलेगा आपको, डू यू एग्री ए मिलेगा, टेल मी इन द चैट, बोलो डू यू एग्री, जब मैं इस लाइन और इस कर्व को सॉल्व करूंगा एक्स में तो आपको ए मिलेगा, यस और नो? एग्जैक्टली, याद रखना, टेंजेंट के केस में जब आप इनको सॉल्व करते हैं ना, तो जो इक्वेशन बनती है उसमें ए जो होता है वो मल्टीपल रूट आता है, मल्टीपल रूट से मतलब क्या है, जैसे क्वाड्रेटिक के 2 इक्वल रूट्स आते हैं वैसा सिचुएशन बनता है, जैसे कि आओ दिखाता हूं, यहां पर जब तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व करो, x माइनस 1 फैक्टर आ गया था, डिवाइड कर दो, 4x² आ जाएगा, प्लस 5x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओए गलती कर दी मैंने कुछ, पहले 4x किया तो कटा 4x² माइनस प्लस हो गया, 5x² बना, तो आपने 5x से किया माइनस, प्लस 5x माइनस, माइनस 1, तुम देख पा रहे हो ये जो व्हाइट में लिखा है एक्स माइनस 1 इसका भी फैक्टर है, देखो जरा एक्स माइनस 1 2 बार आ रहा है फैक्टर, इस येलो वाले को फैक्टराइज करो, येलो वाले के फैक्टर भी ये आ रहे हैं, थोड़ा सा हिंट समझ आए कि जब मैं कह रहा था कि जब किसी टेंजेंट को सॉल्व करते हैं ना कर्व के साथ, तो ये जो एक्स होता है ये 2 बार मिलता है, हमेशा 2 बार, देखो 1 जो है 2 बार मिल रहा है, बस एक मजे की बात बता रहा हूं, ऐसे कुछ और कुछ नहीं, बट अब ऐसे चीजें पता हो तो दोस्तों के आगे थोड़ा सा मजा आता है चौट दिखाने में, राइट? तो याद रखना, जब भी आप ऐसा सॉल्व करते हो, इस लाइन और कर्व को सॉल्व करोगे, तो इस पॉइंट का जो एक्स मिलेगा आपको वो सिंगल मिलता है, सिंगल आराम से सिंगल वैल्यू मिलती है,
बट जब आप ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करते हो तो आपको जब ए मिलता है तो वो मल्टीपल टाइम मिलता है, मल्टीपल टाइम यानी कि जैसे यहां पे वन दो बार मिला। ये पॉइंट समझ आया, मजा आया और कुछ फीलिंग समझ आई? स्पीकर एक मिनट को पहले इसको खत्म करते हैं बेटा, ये समझ आ गया अच्छे से, फीलिंग आ गई, मजे का पॉइंट है, फन फैक्ट है, ठीक है। निशांत वो हो जाएगा, डोंट वरी बेटा निशांत, इट विल बी टेकन केयर ऑफ। एग्जैक्टली, एक बच्चा कह रहा है पिछले में कुछ नाइन का कुछ डाउट, कह रहा है नाइन 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 नाइन, और नाइन तो कुछ आया ही नहीं पिछले में सवाल में, वो कौन सा नाइन तुम कह रहे हो यार, नाइन तो कहीं है ही नहीं। स्पीकर कौन सा नाइन कह रहे हो यार, ओके। अब ये देखो एग्जैक्टली सेम सवाल है, कर लोगे? बोलो, इफ द टेंजेंट एट 1,1 टू दिस कर्व मीट्स द कर्व अगेन एट क्यू फाइंड क्यू, डिटो सेम सवाल है, कर लोगे? डिटो सेम सवाल है, कर लोगे? चलो तुमको इतना दिखा देता हूं, इसमें भी जब सॉल्व करेंगे तो ये जो है ना दो बार आएगा, तो नहीं दिखाता नहीं, आप ही करना यार। सर उसमें क्यूबिक में कॉन्स्टेंट 9 आया था पिछले सवाल में, 9 आया था, हाँ आया था, क्या प्रॉब्लम है फिर? 9 नहीं लिखा, 9 नहीं लिखा बेटा, ओपन कर ले यार, अब इतना भी मुझसे करवाएगा यार, तो गुस्सा खाएगा यार, ओपन कर ले स्क्वायर को, 9 आ जाएगा बेटा, 9 ही तो आ रहा है वैसे भी, तो इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 का स्क्वायर 9 ही तो आएगा, क्या करते हो यार। ओके आखिर दो बारी, ये एक सवाल, ये वाले इससे अगला था, और ये नहीं, ये तो अभी है, एक अगला सवाल जैसे, अच्छा एक सवाल का ये वाला सवाल, हाँ ये था, ये सवाल है जिससे शायद मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा, ये कहता क्वेश्चन बचा हुआ, इसमें एक बहुत प्यारी चीज ध्यान से देख लो, बच्चे की बड़ी जोश जोश में गलत कर देते हैं, सवाल पढ़ो जरा, ये यहां पे बेटा वन है, ओके वन वन, जरा मुझे बताओ ये कैटेगरी कौन सी है, पहले मैं तुमसे गलती करवा तो दूं, तुम्हें पता तो लगे कि हाँ ये गलती हो जाती है, ये कैटेगरी कौन सी कैटेगरी बताओ, जस्ट टेल मी द कैटेगरी, हमें तीन वैरायटी पढ़ी है, ये कौन सी वैरायटी है, विच वैरायटी इज दिस, हमने तीन वैरायटी पढ़ी, टेंजेंट एट अ पॉइंट, टेंजेंट हैविंग गिवन स्लोप एंड टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये कौन सा वैरायटी है, tangent to this curve passing through 1, e also passes through, चलो वो तो बात की बात है, पहले tangent की equation निकालेंगे, बिल्कुल गलत जवाब, सारे बच्चे इसको थर्ड वैरायटी बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है 1, e के थ्रू बोला गया बाहर होगा, और ध्यान से देखो 1, e सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे ही खेलता है जेई मेन तुम्हारे साथ, सेटिस्फाई कर रहा है कर्व को, कर्व के ऊपर ही लाई करता है, 1, सेटिस्फाई कर रहा है, तो कहने को सबसे घटिया सवाल है, क्योंकि टेंजेंट एट अ पॉइंट पूछा जो कि सबसे पहली वैरायटी सबसे इजी वैरायटी थी, और कहने को ट्रिकी बन जाता है क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, बच्चे उसको थर्ड वैरायटी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पॉइंट चमक गया मारा, ये बहुत घटिया क्वेश्चन है। एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट, तो ये फर्स्ट वैरायटी है बेटा, वैरायटी 1 है ये, टेंजेंट एट अ पॉइंट है ये, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन होता है, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन कर्व, जेई मेन में आया था 2019 में, और तुम जैसे ही कुछ प्यारे बच्चे इसको थर्ड वैरायटी मान के थोड़ा धोखा खा गए, गड़बड़ करके आ गए, पर जिन्होंने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया आराम से किया, उन्होंने बड़े प्यार से निपटा भी दिया, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन को जान के मैंने यहां रखा था, पहले मैं उसको बिगनिंग में कहने लगा, मैं कहा ना इसको एंड में रखूंगा, पहले बच्चों को रियलाइज कराऊंगा कि बेटा थोड़ा सवाल को आराम से चेक कर लेना है, गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है, गॉट इट। तो कुछ भी नहीं करना, डेरिवेटिव निकालना है बस, और कुछ नहीं यार, कहां पे है डेरिवेटिव, ये रहा डेरिवेटिव एट 1, निकाल लो, वो तुम्हारी स्लोप आ जाएगी, पॉइंट तुमको पहले से पता है, सबसे घटिया वैरायटी। सो विद दैट हमने तीन वैरायटी जो मेजर होते हैं चैप्टर के हमने खत्म कर दिए हैं, टेंजेंट एट अ पॉइंट, टेंजेंट हैविंग गिवन स्लोप एंड टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन, आई होप आपको मजा आया होगा, लास्ट क्वेश्चन तुमको धोखा देने के लिए था और तुम्हें धोखा लग भी गया, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इस धोखे से तुम सीख जाओगे, ठीक है। एग्जैक्टली स्पीकर, अगर आपको टेंजेंट थ्रू सम पॉइंट पूछा तो पहले मुझे चेक कर लेना चाहिए ना कि पॉइंट बाहर है या उसके ऊपर ही लाई करता है,
तो बेटा टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लो, यहाँ तुम्हें असाइनमेंट नोट डेली अपडेट रेगुलर मिलते हैं। सीबीटी मोड टेस्ट हमारा आने वाला है, हमने प्लान तो इसी संडे किया था क्योंकि लास्ट संडे हमने 11th का सीबीटी मोड टेस्ट लिया था, जिसका की लिंक यहीं पे शेयर किया जाता है। तुम लोगों के लिए फ्री में एक टेस्ट लेते हैं, पता है ना, आफ्टर एवरी 2-3 चैप्टर्स आपका हम एक सीबीटी मोड में टेस्ट लेते हैं, उन पूरे चैप्टर्स का। 11th का लास्ट संडे हो चुका है, तुम्हारा हमने इस संडे प्लान किया था, बट वो थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ रहा है हमको, क्योंकि एकदम से जेई मेन आ गया। एंड यू ऑल नो कि इस समय हम तुम्हारी क्लासेस ले पा रहे हैं, साथ साथ में यही बहुत बड़ी बात है, हमारी रेल बनी हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जेई 2021 वालों पे लग रहा है जो कि तुम्हारे सीनियर्स हैं। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि उनका ये डी डे आ गया है, मेन दिन आ गया उनका। तो चाहे हमारे पेड सेशन है, चाहे हमारा ये यूट्यूब है, बहुत ज्यादा फोकस उन पर जा रहा है। तो आई होप आप इसी को समझोगे और इस चीज के लिए हमको एक्सक्यूज कर दोगे कि आपका टेस्ट हम इस संडे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम बना नहीं पा रहे हैं, उस टेस्ट को बनाने में टाइम लगता है, राइट? तो थोड़ा एक आधा हफ्ता पोस्टपोन हो गया आपका टेस्ट, बट यस आप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लो टेलीग्राम को, ताकि जैसे ही हो आप वो दे पाओ अच्छे से, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स जहां भी आपको आपके सीनियर मिले उनको बेस्ट विशेस दो, उनको मोटिवेट करते रहो, ओके? तुम्हारे मोटिवेशन से वो भी और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और उससे मोटिवेशन लो भी, एग्जैक्टली। एंड जैसा कि मैं कहता हूँ, जरूर लाइक करो, तुम लाइक करते हो मेरे को बहुत खुशी मिलती है, दोस्तों से शेयर करो जिनसे जिनको इससे फायदा हो सकता है, जो भी ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं। यू ऑल नो कि हम सारे मिलकर तुम पे बहुत एफर्ट लगा देते हैं कि तुम अच्छे से तैयारी कर पाओ, चाहे तुम पेड प्लेटफॉर्म पे भी हो चाहे नहीं भी हो, बट यहाँ पे हम तुमको पूरी कोशिश करते हैं कि तुम्हारा एक एक एंगल से चीजों को कवर किया जाए। तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सीखते रहो, जितना सीखते रहोगे हमें लगेगा कि हमारा भी आना यहाँ पे थोड़ा सा जस्टिफाई होता है और हमें खुशी होती है, एसोसिएशन होता है कि यस हम वो कर पाए जो आपको करवाना था। सब्सक्रिप्शन के लिए डिटेल्स मैंने यहाँ दे दी हैं, आप में से वो बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन अब तक नहीं किया जिन्होंने, मैं नॉर्मली कहता हूँ कि आप जरूर अच्छा हाइब्रिड बनाओ, एक पेड सेशन का और एक यूट्यूब सेशन का, जहाँ पे आप एक को प्रॉपर फॉलो करोगे और एक से अपनी बाकी जरूरतें एज पर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को फोकस करोगे, राइट? तो अगर आप ये करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने आपकी डिटेल्स दे दी हैं आपको बेटा, ये सब चीज़ें होती हैं, इसमें से किसी को डाउट है आप उसे पूछ सकते हो। यहाँ पे चार्जेस लिख दिए हैं प्रो लाइट में, सब कुछ होता है जो एक कोचिंग में होता है, ओके? क्लासिक में एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है कि आप डाउट ऐप का एक्सेस ले सकते हो, यानी कि आफ्टर क्लास आप जितनी मर्जी डाउट पूछ सकते हो। डाउट्स कैसे पूछे जाते हैं, ओए ये क्या हो गया, मुझसे कैंसिल का दब गया एक तो यार, चलो कोई बात नहीं, एनी हाउ ये ना ऐसे बता देता हूँ, राइट? तो और पर्सनल मेंटर आ जाता है प्रो प्लस में, प्रो प्लस में पर्सनल मेंटर आ जाता है। पर्सनल मेंटर क्या होते हैं, एक ऐसे टीचर जो दिन रात आप पे डेडिकेटेडली एफर्ट मारते हैं ताकि आप ट्रैक पे रहो, आप तैयारी करते रहो। यस स्वीकर, यस बेटा ऑफ कोर्स। एंड तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चूज कर लेना है। मेरा सजेशन यह कि आपको वीकली जरूर ज्वाइन करना चाहिए वेदांतु, बिकॉज वेदांतु इज एक्चुअली मार्वलस एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। जो मजा, जो वार्मथनेस, जो एक हाई लेवल बेसिक से टॉप तक पढ़ाई है, टीचर्स का जो माहौल है आपस में बहुत अच्छा है। Once you become a Vedan, I tell you, you will always be a Vedan. यहाँ का माहौल ही कुछ अलग है, ठीक है? So do join at least one month thing, ताकि आपको एक तो long track batch का पता लग जाए, उसके बाद आप continue कर सकते हो आप चाहो तो, आप चाहो तो light में आके बाद में subscription भी change कर सकते हो, ठीक है? So love you very much and I hope कि आपको मैं यहाँ भी देखूंगा। आप यहाँ पे आओगे तो थोड़ा गपशप भी मार लेंगे, interaction कर लेंगे unmute करके। Yes, so एक बार मैं बता देता हूँ आप में से जो बच्चे अभी ज्वाइन करते हैं अभी, एक तो आफ्टर एवरी 2 वीक आपका बैच लॉन्च होता है और फर्स्ट वीक में आपको 11th का बड़ा बेसिक पढ़ाया जाता है जो 12th की बिगिनिंग में यूज होने वाला होता है, ठीक है? तो आप जैसे ही ज्वाइन करोगे आप इस बैच में चले जाओगे, आपको एक बैच प्रॉपर एलोकेट हो जाएगा। पिछला अगला बैच आप चाहो तो सब्जेक्ट वाइज जंप कर सकते हो, आपको लगता है कि यार यहाँ पे नहीं, मेरे को याद में जैसे आपसे यूट्यूब पर पहले 4 चैप्टर पढ़ लिए तो सर मैं शुरू से क्यों पढ़ूं, मैं पिछले बैच में चला जाता हूं जहां पे ऑलरेडी 3-4 चैप्टर हो चुके हैं, एग्जैक्टली। आप चाहो तो मेरे बैच में से एओडी मेरे बैच में खत्म हुआ है, अभी मैंने इंडिकेशन शुरू किया है, आप पिछले जाके जंप करके उसमें आ सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ओके देवंजन बेटा, ठीक है? एंड इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आपने इसी सेशन पे चले जाना है, यानी कि ये ना इस पे चले जाना है, राइट? यहाँ पे आपको कार्टून देखेंगे, पहले इसको पॉज कर देना है, बिल्कुल नहीं देखना, टाइम वेस्ट होता है। और डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे 12th ग्रेड का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक? बस यहाँ पे आपको नीचे आना है, आपने अपनी जरूरत के मुताबिक सेलेक्ट कर लेना है लाइट, क्लासिक या प्लस, एंड देन
ट्राई फॉर वन मंथ, दैट्स इट। ठीक दिवंजन, यार हिंदी लिखो या इंग्लिश लिखो, ये लैंग्वेज तो समझ ही नहीं आती क्या लिखा है। लो भैया ऑपरेटर ने डिलीट ही कर दिया। ठीक है रितेश, अभी आज वो मैं इंक्लूड करना भूल गया बेटा, आई एम रियली सॉरी, बट जो रेगुलर शेड्यूल होता है वही शेड्यूल चल रहा है। इस बार हफ्ते में कोई शेड्यूल में चेंज नहीं है, ओके उसी फ्लो में क्लासेस चलेंगी। ओके दैट्स ऑल, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे। खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, एंड सीखो, मजे करो और दूसरों की हेल्प जरूर करो। जितना तुम दूसरों को सिखाओगे उतना तुम ज्यादा सीखोगे भी और ज्यादा खुश भी रहोगे। ठीक है, लव यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। मंशु बेटा, आपको मेरी क्लास ऐसे दिखेगी नहीं, जब आप ज्वाइन करोगे ना बता दू, आपको एक सैम एलोकेट होंगे। सैम क्या होता है, स्टूडेंट अकाउंट मैनेजर या स्टूडेंट एकेडमिक मेंटर, ओके दोनों नाम से जाने जाते हैं। वो आपको कॉल करेंगे विद इन वन वीक ऑफ ज्वाइनिंग। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी अगर आपको जंप करना है बैच अपना। ठीक है,